हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोमेन मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें कि हम तीसरे चैप्टर का पार्ट 3 स्टडी करेंगे। और हमारा चैप्टर चल रहा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का हम आज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल कैंटिलीवर बीम के SFD BMD बनाना सीखेंगे। आपके सिलेबस में 3 ही बीम हैं जिनके SFD BMD आपको स्टडी करने हैं, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम। तो इस लेक्चर में हम कैंटिलीवर बीम के जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक तरह से मैराथन क्लास भी ये हो सकती है, बिकॉज कैंटिलीवर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी प्रॉब्लम्स हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। इसी तरह इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के क्वेश्चंस करेंगे और फिर अंतिम पार्ट एक और लाएंगे हम, जिसमें कि हम ओवर हैंगिंग बीम की स्टडी करेंगे। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आज के इस पार्ट में हम कैंटिलीवर बीम के SFD BMD बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं SFD BMD के बेसिक रूल बता देता हूँ, एक बार उन्हें आपको ध्यान से समझना है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टेप अगर इसके सुन लेंगे ना, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो या ओवर हैंगिंग बीम हो या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम हो, मैं कॉमन रूल पहले आपको बता दूँ, इनके कॉमन रूल क्या होते हैं SFD BMD बनाने के। एक बार आप पहले कॉमन रूल सुन लेंगे ध्यान से, कॉमन रूल। अब देखिए क्या होते हैं इसके कॉमन रूल। सबसे पहली चीज मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप इसी तरह लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान लैंग्वेज में कर पाएंगे। अच्छा, SFD BMD में जब आपको पढ़ाऊंगा यहाँ, तो प्लीज़ करके जो भी बच्चे हिंदी वाले हैं वो भी इसको इंग्लिश में ही समझते चलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हिंदी में करेंगे तो आपको फिर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वो काफ़ी बड़ा होता है, आपको रट जाएंगे स्टेप इजीली, क्योंकि एक ही पैटर्न से सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो टेक्निकल टर्म्स को आप इंग्लिश में याद रखेंगे, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में भी आप इंग्लिश में करके आ सकते हैं, ठीक है। हालांकि हिंदी में आपको बोल दूंगा, लेकिन आप इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। तो आपको पहली चीज़, सबसे पहले स्टेप में आपको निकालना होगा रिएक्शंस। पहला क्या करना है आपको, रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होंगी। रिएक्शंस कहते हैं प्रतिक्रिया को, प्रतिक्रिया, ठीक है। पहली चीज़ आपको रिएक्शन निकालनी होगी, सबसे पहले कोई भी बीम होगी उसकी रिएक्शन आप पता करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप रहेगा, हम कैलकुलेशन करेंगे शियर फोर्स की, सुनते रहिएगा और इस तरह आपको याद हो जाएंगे सभी पॉइंट। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स यानी हम कर्तन बल की गणना करेंगे, हिंदी में कहेंगे कर्तन बल की गणना, ठीक है, शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तीसरा पॉइंट हम याद रखेंगे बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये 3 पॉइंट आपको करने हैं, चाहे किसी भी तरह की बीम हो। बेंडिंग मोमेंट को हिंदी में कहते हैं नमन आघूर्ण, ठीक है, नमन आघूर्ण की गणना। समझाएंगे अभी कैसे करते हैं, फिलहाल ये सुन लीजिए क्या क्या करना है आपको। ये 3 चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप बनाएंगे SFD BMD। क्या बनाएंगे आप, SFD एंड BMD, यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसे आपको बनाना है SFD BMD, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई भी आपको बीम दी गई है, सपोज डैट अभी आपके सामने ये एक बीम है, ये कोई बीम है और इस बीम पर लगा रखा आपने कोई भी लोड, सपोज यहाँ लोड लगा दिया, ठीक है। आपने तीनों चीज़ निकाल दी, आपने रिएक्शन भी निकाल ली, कैलकुलेशन कर ली शियर फोर्स की, बेंडिंग मोमेंट की भी कैलकुलेशन कर ली। इसके जस्ट बाद आप जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, बीम के ही समांतर लाइनें खींचेंगे। क्या करेंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट और अच्छे से, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम तो वो आपको समझ में आएंगे, समझने में आसानी होगी। हम बीम के बिल्कुल समांतर 2 लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं, बीम के समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं, बीम के पैरेलल नीचे 2 लाइन खींचते हैं, 2 लाइंस खींचते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इन्हें आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे बीम ये है तो इसके नीचे एक तो ये वाली पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके जस्ट नीचे, और थोड़ा गैप रख के खींचना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आप इस पर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। इस लाइन पर तो बन जाएगा आपका शियर फोर्स डायग्राम, इस पर बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप इसको रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। अब ये लाइन खींचने के बाद
दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको इसमें, जो भी आपके शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होंगे उन्हें इन लाइन के ऊपर लेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है हिंदी में, पॉजिटिव, पॉजिटिव शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को लाइन के ऊपर लेते हैं, किधर लेंगे, लाइन के ऊपर, ऊपर मतलब अबव, लाइन के ऊपर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प होगी। जैसे शियर फोर्स की वैल्यू सपोज यहाँ पर कितनी है, मान लिया मैंने ये फोर्स आपका 10 न्यूटन का था, कितना 10 न्यूटन, फोर्स नीचे की ओर है, तो हम यहाँ पर जब शियर फोर्स में आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करना, सपोज शियर फोर्स की जो वैल्यू आ रही है -10 आ रही है इस पॉइंट पर, ये कुछ भी पॉइंट है बी मान लिया सपोज, तो इस बी पॉइंट पर नेगेटिव आ रही, तो इस लाइन से आपको नीचे लेना है नेगेटिव, कितना नीचे लेना है, इधर नीचे, समझ पा रहे हैं। अगर यही पॉजिटिव होता तो आप किधर लेते, फिर लाइन के ऊपर लेते, यानी ऊपर पॉजिटिव लेते हैं नीचे नेगेटिव, सेम यहाँ भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इतना सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। पॉजिटिव शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को लाइन के ऊपर लेते हैं, एंड इसी में लिख लीजिएगा, एंड नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब माइनस वाला जो होगा, नेगेटिव शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को लाइन के नीचे लेते हैं, लाइन के नीचे लेते हैं, इसे हम लाइन के नीचे खींचेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाले को, समझ गए। इस लाइन के ऊपर लेंगे पॉजिटिव, यानी जो आपकी वैल्यू पॉजिटिव होंगे उन्हें लाइन के ऊपर, नेगेटिव वैल्यूज को लाइन के नीचे खींचेंगे। यहाँ तक बताइए, इतना समझ आ रहा सभी को। अब इतना करने के बाद अब आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाएंगे वो सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ यहाँ से, साइड से ये चीज़ मिटा रहा हूँ। अब आपको आगे अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में क्या करना है आपको, इस पॉइंट में जो मैंने आपको कल समझाया था वो चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें, इधर बना दे रहा हूँ मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, यहाँ साइड में, ठीक है, वहाँ आएगा नहीं वो, इधर बना लेते हैं इस तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी बीम पर क्या होगा, पॉइंट लोड होगा, क्या होगा, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड के केस में अगर हमें SFD बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम, तो हमने कल पढ़ा था कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, आयताकार बनेगा। एंड जो हमारा BMD रहेगा, क्या चीज़, इसके बाद BMD, जो हमारा BMD होगा, ये पॉइंट लोड के लिए आपको याद करना है, ठीक है। BMD जो बनेगा, BMD बनेगा ट्रायंगुलर, BMD कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर, ठीक है, मतलब त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार बनेगा। एंड ये तो हो गया पॉइंट लोड के केस में। ऐसे UDL की बात करें, UDL के केस में, तो UDL के केस में आपको क्या याद रखना है, अगर UDL आ रहा है बीम पर, तो SFD तो बनेगा हमारा ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार। एंड जो BMD बनेगा, BMD वो बनेगा आपका पैराबोलिक मतलब परवलय, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से तीसरा रह गया, एक हो गया आपका क्या, पॉइंट लोड हो गया, इसके बाद UDL हो गया। इसको कलर पेन से लिख दूं थोड़ा, आपको दिख जाएगा क्लियरली, पॉइंट लोड पहली चीज, पॉइंट लोड, ठीक है, दूसरा UDL, UDL के बाद अगर बीम पर UBL आ रहा हो, क्या रहा हो, UBL, UBL के केस में क्या करेंगे, UBL के केस में जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा SFD वो तो बनेगा पैराबोलिक मतलब परवलय, जो दो घात वाला होगा, ठीक है। एंड BMD जो बनेगा इसमें, BMD वो कैसा बनेगा, वो क्यूबिक पैराबोला बनेगा, मतलब तीन घात वाला पैराबोला, पैराबोलिक, ठीक है, ये x³ वाला होगा। इतना समझ आ रहा है, यहाँ तक सभी को क्लियर दिख रहा है, ओके। तो देखिए, तो ये इसके कुछ कॉमन रूल थे, ये हैं इसके कॉमन रूल, सिर्फ इतने से रूल आपको याद रखना है। पहली चीज़, आपको तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। इतना करने के बाद SFD BMD कैसे बनाते हैं, तो आप बीम के पैरेलल, इसके बीम के नीचे आप दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, दो खींचेंगे, एक पे बनेगा शियर फोर्स डायग्राम और दूसरे पे बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इन लाइन के ऊपर जो भी आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होंगे उन्हें ऊपर लेना है लाइन से, जो नेगेटिव होंगे उन्हें लाइन के नीचे लेंगे। इतना समझ पा रहे हैं।
अगर बीम पर पॉइंट लोड आ रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम आयताकार होगा, बीएमडी ट्रायंगुलर होगा। यूडीएल में एसएफडी आपका ट्रायंगुलर, बीएमडी पैराबोलिक, और यूबीएल के केस में एसएफडी पैराबोलिक होगा और बीएमडी क्यूबिक पैराबोलिक होगा। क्लियर हुआ सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कि करके क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड केस कराऊंगा, और वो स्टैंडर्ड केस एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एज ए डेरिवेशन की फॉर्म में, ठीक है? पहले कुछ स्टैंडर्ड केस करेंगे फिर न्यूमेरिकल। मैंने पहले ही कह दिया आपको क्लास बड़ी होगी, ये मैराथन क्लास है, बट आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर तरह के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा इस लेक्चर में। आपकी बुक का क्वेश्चन हो या कहीं और का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी एसएफडी बीएमडी का बाहर नहीं आएगा इससे, ठीक है? इस लेक्चर को पूरा देखना बिना स्किप के, तो आपका पूरी तरह से हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब आप लिखेंगे एक छोटी सी हेडिंग। सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, एसएफडी बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम। और पहले कैंटिलीवर बीम के लिए मैं कर रहा हूँ, इसके अलग अलग पार्ट करेंगे हम। यहाँ पर हम पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। क्या लगा है इस पर? पॉइंट लोड लगा हुआ है। और कहाँ लगा है पॉइंट लोड? एट फ्री एंड, ठीक है? जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो लिख सकते हैं क्या, कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड लगने के कारण एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है? लिख लेंगे सभी क्या? अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये कैंटिलीवर बीम है जिसका एक सिरा फिक्स है, दूसरा सिरा फ्री है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हमें एसएफडी बीएमडी बनाना है कैंटिलीवर बीम के लिए, जो सब्जेक्टेड है। किस पर? इस पर सब्जेक्टेड क्या है, इस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है इसके फ्री एंड पर। यहाँ मुक्त सिरा होता है, दो एंड होते हैं, एक फिक्स होता है दूसरा फ्री। इसके फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा है W न्यूटन कह दो आप या किलो न्यूटन कह दो, W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। इसकी लेंथ मान ली आपने L है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है इसकी, L है। एक सिरा इसका A है, ये दूसरा सिरा B है, ठीक है? आपको थ्योरी की फॉर्म में ऐसे पूछता है, कहता है एसएफडी बीएमडी बनाओ किसी कैंटिलीवर बीम के लिए जिसके मुक्त सिरे पर W पॉइंट लोड लगा है, या केवल कह देगा बिंदु भार लगा है, इस तरह से। अभी अभी आपको जो रूल बताए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको, रिएक्शंस आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करना है आपको? रिएक्शंस। बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलिएगा, इससे ज़्यादा सिंपल आपके बुक में भी नहीं होगा, ठीक है? प्रतिक्रिया आप निकालेंगे, रिएक्शन। अब कैंटिलीवर बीम में कितनी रिएक्शन उत्पन्न होंगी, इस पर एक वर्टिकल फोर्स लगा हुआ है, केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी यहाँ पर। क्या आएगी? एक वर्टिकल रिएक्शन, जिसका नाम क्या होगा, ए पॉइंट पर रिएक्शन है, तो हम इसको आर ए कह देंगे, ठीक है? रिएक्शन कैंटिलीवर बीम में निकालना बहुत आसान होता है। जब भी आप कैंटिलीवर बीम पर रिएक्शन निकालें तो इसमें एक ही रिएक्शन होती है, तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, सिंपल। क्या कर देंगे आप, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स। ऊपर की ओर क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है, और नीचे की ओर क्या लग रहा है आपका, डब्ल्यू लग रहा है नीचे की ओर, डब्ल्यू। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू। एक ही रिएक्शन था, सिंगल रिएक्शन निकल गई, ठीक है? यहाँ पर कैसे निकली है रिएक्शन, तो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी कि जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं उन्हें एक तरफ कर लो, बराबर में नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे हैं उन्हें एक तरफ कर लो। एक आध फोर्स और लगा होता है इसमें नीचे की ओर, तो उन्हें हम नीचे की ओर वाले की साइड जोड़ते, ऊपर की ओर के लिए ऊपर की ओर वाले जोड़ देते, ठीक है? हमने सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो पढ़ा था ना, उसी से किया है। क्लियर हुआ इतना, रिएक्शन समझ गए सभी? ऊपर की ओर आर ए, नीचे की ओर डब्ल्यू, यहाँ तक क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था, कैलकुलेशन फॉर, जो जो बताया है वही लिखते चलना है, सिंपल। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से ये दे रखा है। हिंदी में कह सकते हैं आप कर्तन बल के लिए गणना, हिंदी में क्या कह सकते हैं आप, कर्तन बल के लिए गणना, अब शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसलिए आपसे बोल रहा था, अब यहाँ जो मैं पॉइंट लिखूंगा इनको आप इंग्लिश में ही याद रखना। हिंदी में क्यों मना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत दिक्कत आएंगी, सेक्शन काटने पड़ेंगे, फिर लिखना भी पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कितने पॉइंट है, दो ही पॉइंट है, एक बी पॉइंट है एक ए पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको हिंदी में करना हो तो आप क्या लिखते, बी पॉइंट से जस्ट पहले शियर फोर्स, ऐसे लिखते हिंदी में लैंग्वेज में, ठीक है? क्या, बी पॉइंट से जस्ट पहले शियर फोर्स। फिर लिखना होता आपको क्या, बी पॉइंट पर शियर फोर्स,
फिर लिखते बी पॉइंट के जस्ट बाद शियर फोर्स, ऐसे यहाँ लिखते ए पॉइंट से जस्ट पहले शियर फोर्स, फिर लिखते ए पॉइंट पर शियर फोर्स। तो ये इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है हिंदी में लिखने पर। अब इंग्लिश में आपको जो मैं बता रहा हूँ यही लिखना है, एज इट इज आप एग्जाम में भी लिखना, कोई गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। और आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम में आप मिक्स लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटते। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे यहाँ पर हम इस साइड से, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था एसएफडी बीएमडी का कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था कि हम चलेंगे राइट हैंड साइड से, किधर से, हम आरएचएस की तरफ से चलना शुरू करेंगे, आरएचएस से। और आरएचएस की तरफ से जब हम चलते हैं तो जो फोर्स ऊपर की ओर लगे होते हैं उन्हें हम प्लस का लेते हैं, जो फोर्स नीचे की ओर लगे होते हैं उन्हें माइनस में लेते हैं। ये मैंने आपको समझाया था साइन कन्वर्जन में, ठीक है। तो यहाँ बी पॉइंट पर शियर फोर्स है तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले शियर फोर्स, मैं शॉर्ट में एसएफ लिख रहा हूँ इसको, शियर फोर्स पहले लिखेंगे टिल पॉइंट, टिल पॉइंट बी। हम दो चीज़ करेंगे, एक टिल पॉइंट बी, हर एक पॉइंट पर टिल और एट याद रखना है, दूसरा लिखेंगे हम शियर फोर्स एट पॉइंट बी। आपको बस इतना सा याद कर लेना इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी, ठीक है। अब चाहे जैसी चाहे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं फिर भी आप इतना तो जानते होंगे, टिल मतलब होता है तक और एट मतलब होता है पर। तो शियर फोर्स टिल पॉइंट बी मतलब है बी पॉइंट तक शियर फोर्स कितना है, और शियर फोर्स एट पॉइंट बी का मतलब बी पॉइंट पर कितना है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते थे क्या, बी पॉइंट से जस्ट पहले तक शियर फोर्स, और यहाँ कह देते बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है, समझ पा रहे ना। तो आपको इंग्लिश में टिल और एट को ही फॉलो करना है। अब बी पॉइंट पर देखिए कितना, बी पॉइंट तक कितना शियर फोर्स है, हम राइट से चल रहे हैं, राइट से बी तक आएंगे कोई शियर फोर्स नहीं है शुरू में, शुरू में शियर फोर्स जीरो है, ठीक है। मतलब इस बी पॉइंट तक का मतलब है इससे पीछे पीछे इस साइड को कोई फोर्स ही नहीं, बीम ही नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो। एंड शियर फोर्स एट पॉइंट बी, अब बी पॉइंट पे हम शियर फोर्स की बात करें तो बी पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट पे लगा हुआ है नीचे की ओर डब्लू, नीचे की ओर लग रहा है डब्लू, इसलिए नीचे की ओर को माइनस में लिखेंगे डब्लू। यहाँ तक समझ आया, इतना क्लियर। अब बी पॉइंट से अब ए पॉइंट तक जाइए, अब कहाँ तक, ए पॉइंट तक, कोई फोर्स नहीं है ए पॉइंट तक, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए। ऐसे ए पॉइंट के लिए भी दोनों चीज़ें लिखेंगे, पहले टिल पॉइंट ए फिर बोलेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है। टिल और एट बस यही आपको याद कर लेना है, और मेरा समझाने का सिंपल यही तरीका है, टिल और एट, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं लगता मुझे, तो आपको भी इजी लगेगा ये, ठीक है। बी से ए तक कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ यही फोर्स था आपका पीछे वाला, कितना, माइनस डब्ल्यू, तो ये माइनस डब्ल्यू ही रहेगा यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से पीछे पीछे कोई बल नहीं, सिर्फ ये डब्ल्यू था तो डब्ल्यू ही रहेगा यहाँ तक, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब आप आएंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये डब्ल्यू हो गया नीचे की ओर माइनस डब्ल्यू। अब जैसे आप ए पॉइंट पर आए तो ऊपर की ओर आ गया आपका रिएक्शन आर ए, ऊपर की ओर को प्लस में लिखेंगे आर ए, आर ए की वैल्यू आपके सामने ऊपर देख लीजिए, रिएक्शन डब्ल्यू आया था तो माइनस डब्ल्यू, और प्लस में आर ए की वैल्यू भी डब्ल्यू है, तो बराबर कितना आ गया, ये बराबर आ गया जीरो। इतना समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि इधर डायग्राम बना लेंगे हम, इधर लिख दे रहा हूँ, इसको भी यहाँ लिख देते हैं हम, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बराबर जीरो। इतना बताइए, समझ आ गया। तो ये हमारी शियर फोर्स की कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे हम बेंडिंग मोमेंट की, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को हिंदी में नमन आघूर्ण कहते हैं, आप लिख सकते हैं नमन आघूर्ण, आघूर्ण के लिए, के लिए गणना। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए गणना करेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए गणना का मतलब दो पॉइंट है, बी पॉइंट और ए पॉइंट, इन दोनों पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब यहाँ पर आपको टिल और एट नहीं करना है, सीधे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लिखेंगे। टिल और एट क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब बेंडिंग मोमेंट में अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं और उस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा हो तो फोर्स की जीरो डिस्टेंस जीरो हो जाती है, इसलिए वो फोर्स जीरो हो जाता है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, शॉर्ट में बीएम लिख रहा हूँ मैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, एट पॉइंट पहले बी है तो बी पर, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट देखिए कितना है, बी पॉइंट पर नीचे की ओर डब्ल्यू लगा हुआ है, नीचे की ओर है तो माइनस में लेंगे, माइनस में डब्ल्यू, एंड इसकी डिस्टेंस कितनी है, बी पॉइंट पर ही हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, और दूरी भी बी तक की ही लेंगे, दूरी जीरो होगी। क्या आ गया ये आपका, जीरो आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब निकालेंगे ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, क्या लिख देंगे आप, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अब ए पॉइंट पे निकालेंगे तो ए पॉइंट तक आपको इस साइड से चलना शुरू करना है, पहले ये लोड आया फिर ये लोड आया, ए तक दो लोड आ रहे हैं, बी तक तो इधर से सिर्फ एक ही लोड था, बी वाला, ए तक दो लोड है, एक ये और एक ये, तो पहले इसको लो, माइनस में नीचे की ओर डब्ल्यू है, माइनस में लेंगे नीचे की ओर है, तो इंटू ए तक की दूरी, इस डब्ल्यू से ए तक की मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, अब ए पर आ गए, ए पर ऊपर की ओर कितना लग रहा है, आर ए लग रहा है ऊपर की ओर, प्लस में ले लेंगे। लेकिन डिस्टेंस इसकी आर ए की, ए तक की डिस्टेंस, ए पे ले रहे हैं मूवमेंट तो जीरो, इसलिए क्या आ गया इसकी वैल्यू, ये तो जीरो हो गया, ये आ गया माइनस में डब्ल्यू एल, कितना आ गया माइनस में डब्ल्यू एल। ये बताइए समझ आ गया सभी को, तो आपकी बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन भी हो चुकी है कंप्लीट, ये सभी को क्लियर हुआ। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा बार बार, आप दो तीन क्वेश्चन जब देखेंगे ना लगातार तो वो खुद पर खुद समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन वाले तीनों पॉइंट हो गए, रिएक्शन, शियर फोर्स की कैलकुलेशन, बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन। अब इनके डायग्राम देख लेंगे, इस साइड डायग्राम देख लीजिए। पहला आपको क्या बताया था, डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, सबसे पहला काम समांतर लाइनें खींचेंगे, दो पहली लाइन खींच दी ये वाली, इस पर बनेगा शियर फोर्स डायग्राम। तो पहला शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको टेलोराइड दो पॉइंट बताया है ना, तो आप दो ही यहाँ पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट बी पर कितना था फोर्स, पहले जीरो था बी पर, पहले जीरो लिखा, फिर माइनस डब्ल्यू था, इस लाइन के नीचे लेते हैं माइनस को, तो इसी पॉइंट पर नीचे आ जाओ कितना माइनस डब्ल्यू, मान लो यहाँ तक आ गया आपका डब्ल्यू जो कि नेगेटिव है नीचे की ओर, ठीक है ना, माइनस डब्ल्यू आ गया नीचे की ओर, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब ए पॉइंट पे लगा लो निशान, ए पे पहले तो माइनस डब्ल्यू है, माइनस डब्ल्यू इसकी सीध में ही रहेगा यहाँ पर, पहले तो माइनस डब्ल्यू आ गया ये वाला, फिर कितना है ए पर, फिर जीरो हो गया ए पर, फिर जीरो हो गया, समझ आ रहा है ये सभी को। अब इनको आपस में मिला दो, तो यहाँ से जीरो से माइनस डब्ल्यू तक चले, पॉइंट लोड में कैसे बताया था आपका, आयत बनता है, रेक्टेंगल बनता है एस एफ डी में, तो आप आयत बनाएंगे, अब माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू तक मिलाएंगे तो सीध में जाएगा बिल्कुल सीधा ऐसे, समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर इससे मिला दिया ये, तो डायग्राम बनेगा नेगेटिव, कैसा बनेगा नेगेटिव, समझ पा रहे हैं, नीचे की ओर फोर्स था इसलिए। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है शियर फोर्स डायग्राम, क्लियर ना, शियर फोर्स डायग्राम, ये एस एफ डी बन गया। अब हमें बी एम डी बनाना है, तो इसके नीचे क्या बताया था आपको, इसके नीचे एक और लाइन खींचेंगे, दूसरी समांतर रेखा, दूसरी पैरेलल लाइन खींच लो, ये मैंने दूसरी पैरेलल लाइन खींच ली। इस पैरेलल लाइन में आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट पर मूवमेंट दिखाना है। पहले बी पॉइंट था, बी पॉइंट पर मूवमेंट कितना, यहाँ पर जीरो है बी पॉइंट पर मूवमेंट, एंड इसके बाद फिर ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर मूवमेंट कितना, माइनस में डब्ल्यू एल था, तो पॉइंट ए ये वाला है हमारा, इस पर माइनस में है तो नीचे की ओर आएंगे, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर ये आ गया आपका माइनस में डब्ल्यू एल, समझ पा रहे हैं। और आपको क्या बताया था, जब पॉइंट लोड लगता है किसी बीम पर तो एस एफ डी तो आयताकार बनता है, बी एम डी त्रिभुजाकार, तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, जीरो से माइनस डब्ल्यू पर जाना है, डब्ल्यू एल पर, तो आप इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको मिला दीजिए आप इस पॉइंट से, यहाँ से और ऐसे, तो क्या बन गया आपका ये त्रिभुजाकार। ये भी कैसा बनेगा, नेगेटिव वैल्यू थी नीचे बन रहा, तो ये भी नेगेटिव में बनेगा, ठीक है, कैंटिलीवर के डायग्राम नेगेटिव बनते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, ये बी एम डी का डायग्राम, ये किसका है, बी एम डी, बी एम डी। तो ये आपका एक क्लियर हो गया क्वेश्चन सभी का, स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चन था ये, आपकी बुक में भी दिया गया होगा ये क्वेश्चन, हालांकि बुक में हो सकता है सेक्शन काट के दिखाया गया हो, मैं बिना सेक्शन के आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। अभी मैं सिर्फ पहले स्टैंडर्ड केस बता दूं, फिर हर तरह के क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे केस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसको रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलिए तो इसको रफ करते हैं। अब मैं पहले आपको क्या करता हूँ कि पहले इस पॉइंट लोड वाले एक दो क्वेश्चन करा दूँ, उसके बाद फिर हम यू डी एल का स्टैंडर्ड केस देखेंगे, फिर यू डी एल के क्वेश्चन, उसी तरह से यू बी एल का स्टैंडर्ड केस देखेंगे, फिर उसका एक क्वेश्चन करके फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे कि एक ही बीम पर पॉइंट लोड भी लगा होगा, यू डी एल भी लगा होगा, उस तरह के क्वेश्चन, समझ पा रहे ना। स्टैंडर्ड केस ये पॉइंट लोड का एक हो गया, अब पहले इस पॉइंट लोड वाले क्वेश्चन कर लें एक दो, उसके बाद फिर यू डी एल का स्टैंडर्ड केस, फिर उसके क्वेश्चन, यू बी एल का केस, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन देखेंगे पॉइंट लोड और यू डी एल दोनों के, ठीक है। इसको रफ करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए अब, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें लिखा चित्र में दिखाई गई बीम, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, एक ये एक डायग्राम है कैंटिलीवर बीम का, ठीक है। इसमें दो मीटर दूरी छोड़ के एक लोड लगा हुआ है, यहाँ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम, इधर बना लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा एक लोड यहाँ पर लगा हुआ है और इस साइड से दो मीटर की दूरी छोड़ रखी है, ये मान लो दो मीटर इधर था, ठीक है, ये वाला दो मीटर है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक। और ये कितना लोड कितना है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन में 10 किलो न्यूटन,
ये 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है, 2 मीटर की डिस्टेंस पर। इसके बाद फिर 3 मीटर डिस्टेंस पर 10 किलो न्यूटन का एक और लोड है, यहाँ पर एक और लोड है, ये भी 10 किलो न्यूटन का है, 10 किलो न्यूटन। एंड ये जो डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक की, ये है 3 मीटर, समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर 2 मीटर पे एक लोड लगा है, यहाँ से 2 मीटर मान लो यहाँ तक है, और यहाँ पर एक और लोड लगा दिया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। एंड डिस्टेंस है ये 2 मीटर, कितनी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, ये 2 मीटर है। इसके बाद इधर भी फिर ये डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं। और आपसे कहा इसका SFD एंड BMD आपको खींचना है, क्लियर ना। इसका डायग्राम अच्छा दिखाई दे इसलिए आपको थोड़ा सा बीम और मैं बड़ी कर लेता हूँ, क्योंकि क्लियरिटी होनी चाहिए आपके डायग्राम में तो समझने के लिए। अब ठीक है, ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 2, ये क्वेश्चन है, क्लियर। आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, SFD और BMD खींचना है। जो रूल आपको बताया गया है सेम उसी रूल को फॉलो करना है। इन पॉइंटों को या तो नाम क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में नाम पॉइंटों को यस दिए गए हैं, नहीं देता तो आप खुद से बना लेते। ये पॉइंट ए मान लेना इधर वाला, इधर फ्री एंड वाला पॉइंट बी मान लेना, इसके बाद ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई है। इस तरह पॉइंटों को नाम दे देंगे आप, या तो क्वेश्चन में पहले ही देगा, नहीं देगा तो आप लिख लेंगे। क्या क्या बताया था आपको स्टेप, पहली चीज़ हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन निकालेंगे, हिंदी में आप इसको प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ पर होगी, ए पॉइंट पर, यहाँ पर इस ए पॉइंट पर रिएक्शन का नाम होगा RA। हम रिएक्शन की वैल्यू बताएंगे, आपको अभी बताया था संतुलन की अवस्था में ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स, RA ऊपर लग रहा है, ऊपर की ओर RA बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, नीचे की ओर कौन कौन से हैं, 10, 10, 20, 20, 30, 50, समझ पा रहे, नीचे वालों को जोड़ देंगे सभी को, 10, 10, 20, 30, 50, डायरेक्ट लिख दें इसको, 50 किलो न्यूटन। ये क्या आ गया, रिएक्शन की वैल्यू आ गई। यहाँ तक बताइए, सभी को क्लियर है इतना। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अगला पॉइंट बताया था कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, इसी तरह लिखना आप हेडिंग बना के, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और ये मैं तरीका जिस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरीके से SSC JEE के मेंस में लिखा जाता है, और मेंस की कॉपी ऐसे ही लिखते हैं हम, तो इसी तरह आप अपने BTE बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। सब कुछ लिखना जो जो कर रहे हैं आप, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम नहीं, ओनली शियर फोर्स, हिंदी में क्या कह देंगे आप, कर्तन बल के लिए गणना, ठीक है। आप वो चीज़ अपने से लिख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं शियर फोर्स की। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे, पहले टिल पॉइंट बी, फिर एट पॉइंट बी लिखेंगे यहाँ पर, शियर फोर्स, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी पे अभी शियर फोर्स कितना, 0 है, क्योंकि बी पॉइंट से पीछे कोई फोर्स ही नहीं है, इस साइड से चल रहे हैं ना, तो टिल पॉइंट बी का मतलब इस पर फोर्स क्या, 0। एंड शियर फोर्स एट पॉइंट बी के केस में भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं है बी पर, ठीक है, 0। इसके बाद बी से आगे बढ़ेंगे, सी पर आएंगे, तो पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, क्या है, सी, टिल पॉइंट सी, और फिर शियर फोर्स एट पॉइंट सी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। टिल और एट, हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स में टिल और एट लिखना है। टिल मतलब होता है तक, यानी सी पॉइंट तक, इस साइड से सी पॉइंट तक क्या कोई फोर्स है, सी पॉइंट पर नहीं बोलना आपको, तक का मतलब है इससे पहले पहले, सी से पहले पहले, तो बी से सी तक कोई फोर्स नहीं है, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे ही मैंने कह दिया शियर फोर्स एट पॉइंट सी मतलब शियर फोर्स सी पॉइंट पर, अब सी पॉइंट पर देखेंगे आप तो ये वाला फोर्स आ रहा है नीचे की ओर 10, नीचे की ओर है, तो माइनस में लेंगे कितना, 10 किलो न्यूटन। इतना समझ आया। अब इसके बाद लिखेंगे आप सी के बाद कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट, तो लिखेंगे शियर फोर्स, पहले लिखेंगे टिल पॉइंट डी, एंड फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट डी, टिल और एट दोनों लिखना है, ठीक है, ध्यान से करिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब डी पॉइंट, टिल मतलब तक, डी पॉइंट तक, अब यहाँ से आप चले डी पॉइंट तक तो आपका एक ही लोड था, ये माइनस का 10 वाला, यहाँ से डी तक का मतलब डी से पहले पहले, आगे नहीं, डी से पहले पहले एक ही लोड था, ये वाला माइनस का 10 जो कि ऊपर लिखा है माइनस का 10, ठीक है। अब आगे आप डी पॉइंट पर, अब जैसे एट पॉइंट डी कह दिया, डी पॉइंट पर ये वाला 10-20 शामिल हो गया, तो अब डी पॉइंट तक दो हो गए, एक ये और एक ये डी पॉइंट पर, तो माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 20 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। अब डी के बाद ई पर आ जाओ, तो पहले लिखेंगे आप क्या, शियर फोर्स
टिल पॉइंट ई और फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ई। पहले टिल पॉइंट ई के बारे में बताइए। टिल पॉइंट ई का मतलब है ई पॉइंट तक कह दो या फिर जस्ट बिफोर ई बोल सकते हैं इसको। तो ई पॉइंट से पहले पहले तक, दो ही फोर्स हैं, एक ये दोनों माइनस का 20 जो भी ऊपर लिखा है, कितना -20। ई तक यही तो थे, यानी यहाँ से चले यहाँ तक, इससे पहले पहले एक दो दो ही थे। अब जैसे ही एट पॉइंट ई कह दिया तो ये वाला भी आ गया इसमें, फिर तो -20 तो पीछे था ही, माइनस में ये नीचे की ओर है, माइनस में लेंगे माइनस का 30 और आ गया, ये कितना हो गया माइनस में 50 किलो न्यूटन हो गया। कितना माइनस में 50 किलो न्यूटन, क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाओ इस ए पर, तो पहले लिखेंगे टिल पॉइंट शियर फोर्स ए, उसके बाद फिर शियर फोर्स एट पॉइंट ए। पहले टिल पॉइंट ए की बात करें तो टिल पॉइंट ए मतलब ए पॉइंट तक का मतलब है ए से पहले पहले ये तीनों आ रहे हैं, जो कि 10, 20 और 30 माइनस 50 था यहाँ तक, यानी ऊपर वाला ये, इसको लिख लिया करें आप, इजी रहेगा आपके लिए, माइनस 50 यहाँ तक इतना ही था केवल ये। अब जैसे एट पॉइंट ए बोला तो माइनस 50 तो ये था ही पीछे तक, प्लस में ये और आ गया इस पर, ये ऊपर की ओर ए पॉइंट पर आ गया ऊपर की ओर, आर ए प्लस में रहेगा। इस आर ए की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस 50 और प्लस में आर ए की वैल्यू कितनी है, ये 50 है, तो माइनस 50 प्लस 50 कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये हो गई शियर फोर्स की कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है कि उसने आसान था, ठीक है। आपको टिल एट बस याद रखना है, हर एक पॉइंट पर दो फोर्स निकालेंगे, एक उस पॉइंट तक यानी उस पॉइंट से पहले पहले बोल सकते हैं आप, और एक उस पॉइंट के बाद, ठीक है ना। तो हम सीधे क्या कह देंगे, हम बोल देंगे टिल मतलब उस पॉइंट तक, एट मतलब उस पॉइंट पर, ठीक है, फिर उसके बाद के लिए अगले वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, क्लियर हुआ ये चीज़। पहले मैं शियर फोर्स डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करते रहिएगा साथ साथ, डायग्राम देख लीजिए पहले एक बार, SFD देख लीजिए, जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंटों को नीचे आप पैरेलल लाइन खींच के लाएंगे, नीचे यहाँ पर नीचे लाइन खींचेंगे, समांतर लाइन, ठीक है। और अगर आपको और अच्छे नंबर चाहिए एग्ज़ाम में तो आप डायग्राम इस हिसाब से बनाना कि जो फोर्स कम है उसको कम ऊंचाई तक ले जाना, जो फोर्स ज़्यादा है उसको ज़्यादा ऊंचाई तक दिखाना। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी पैरेलल लाइन, ये होगी समांतर रेखा एक, ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है ये वाली, इस तरह से बनाना सही से सीधी सी। इस लाइन को बनाने के बाद अब जब आप फोर्स दर्शाएंगे ये वाले, तो इन फोर्स को स्केल से खींचना चाहें आप तो एक पैमाना मान लेना, स्केल मान लेना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सभी फोर्स 10 की डिजिट में दे रखे हैं, तो आप सपोज ये मान लेना कि आपने अगर 10 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर खींचना है, सपोज ऐसा मान लेना आप 10 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर खींचना है आपको, तो पहले आप इन पॉइंटों को लगा लो। बी पॉइंट पर फोर्स कितना था, 0 था, बी पर तो टिल और एट दोनों ही 0 है, बी का काम खत्म। सी पर कितना था, पहले सी पर 0 था, सी ये है, पहले तो सी पर 0 है, यहाँ पर सी पर 0 लगा लिया। फिर बाद में कितना है, -10 है, -10 का मतलब आप नीचे को 1 सेंटीमीटर चल देना, नीचे को इधर को 1 सेंटीमीटर, मान लिया यहाँ तक बैठा 1 सेंटीमीटर, आपने ये -10 कह दिया सी पॉइंट पर, सी के दोनों फोर्स आपने लगा लिए पॉइंट, सी के दोनों आ गए। अब डी पर आ जाओ, पहले -10 था फिर -20 है, जब डी पर -10 लगाएंगे तो -10 देखो इसी के बिल्कुल सीध में आएगा यहाँ पर, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं -10 का मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर और -20 का मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जस्ट डबल ये वाला, तो यहाँ -20 आ गया और ये वाला -10 था, समझ पा रहे हैं। डी के दोनों आ गए, डी के -10 और -20। अब ई पर आ जाओ, पहले ई पर -20 है फिर -50 है, ई पॉइंट ये वाला है, इस पर -20 तो इसके सीध में आएगा, यहाँ -20 -50 इसके नीचे आएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 20 है तो इसके भी नीचे, बहुत नीचे, 50 करना है ना आपको, तो 3 गुना 50 का मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर देख लेना आप, ठीक है, लगभग में ये रहा माइनस का 50, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद फिर आप ए पर आ जाओ, ए पर पहले तो माइनस का 50 था, ए पर तो ए पॉइंट आपका ये वाला था, इस पॉइंट पर पहले तो -50 यहाँ कर देना -50, ठीक है, फिर बाद में 0 हो गया। ये बताइए, ये समझ आ रहा है सभी को, क्या करना आप स्केल मान लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, 10 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर खींचना, देखो 0 से 0 तक चलना आपको, अब पॉइंट बढ़ते चलना आगे तक, पहले बी से सी पे आ गए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक कोई शियर फोर्स नहीं था, फिर आप यहाँ से नीचे आए इस पर, ये आ गए, फिर इससे इस पर बस मिलाते जाओ, कुछ नहीं करना आपको, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, बिल्कुल सीधा मिलाना है ना, इसका इससे खींचना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको फिर इसको मिलाया, फिर इससे 0 पर पहुँच गए, ये पहुँच गए 0 पर। तो ये जो आपका डायग्राम बन गया कैसा बनेगा, नेगेटिव डायग्राम बन रहा है, और देखो एकदम बंदूक बन गई अच्छी वाली, दिख गया।
ये बन गया आपका डायग्राम। समझ आ गया सभी को? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप स्केल मान के खींचना, एकदम बेहतरीन लगेगा आपके सामने डायग्राम। एग्जाम में भी आप ऐसे ही बना कहेंगे स्केल मान के। क्लियर हुआ ये? इसके बाद ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले आप शियर फोर्स की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कर सकूं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम कैलकुलेशन फॉर बीएमडी की। इसी को हटाते हैं यहाँ से और बीएमडी की कैलकुलेशन देख लीजिए। कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको वास्तव में इंजॉय कर पा रहे हैं आप क्लास का, पसंद आ रही है क्लास, तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? अगर नहीं किया है अभी तक, तो आपको सबसे आसान से आसान कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। और यही क्वेश्चन नहीं, एक से एक हार्ड क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाऊंगा। जस्ट वेट करें और फ्री टाइम में देखें आप क्लास को। हो सके तो आप एक ही फ्लो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फ्री टाइम हो जाए आपके पास तब देखा करें क्लास को, ठीक है? और नोट्स साथ साथ बनाएं, ठीक है? ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी क्लास, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से पढ़ें। चलिए, तो ये समझ आ गया सभी को इतना। अब आप बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट बी सी डी ई ए इन पॉइंट पे निकालें, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, शॉर्ट में BM, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, पहला कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट पर। अब यहाँ टेलर एट नहीं करते, बेंडिंग मोमेंट में सीधे एट लिखते हैं, ठीक है? टेलर एट वहीं करते हैं जहाँ पर UDL के ऊपर पॉइंट लोड लगा हो, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट में भी आपको टेलर एट दोनों लिखना होता है। यहाँ सिंपली आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट भी लिख सकते हैं। बी पॉइंट पर जब कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंट भी जीरो होगा, जब फोर्स जीरो है तो। इसके बाद बी के बाद सी पर आ जाओ तो क्या लिखेंगे आप? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पर देखो कितना है, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं था तो यहाँ तक तो जीरो था। इसके बाद सी पर लगा हुआ है एक फोर्स, सी तक ले रहे हैं तो हम सी पर, यहाँ सी वाले लोड तक ही देखेंगे, आगे नहीं बढ़ना आपको इससे, बस पीछे पीछे देखना, ठीक है? इस साइड से शुरू करना, जिस पॉइंट का नाम ले दिया उससे आगे नहीं जाना। सी का नाम ले दिया आपने तो अब सी से आगे नहीं बढ़ना, आपको सी तक देखना। सी तक सिर्फ एक लोड आ रहा है, माइनस का टेन आ रहा है, लेकिन दूरी कहाँ तक की लेंगे हम? जिसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, सी पर ले रहे हैं मूवमेंट, तो सी तक की दूरी इसकी जीरो है। तो ये भी क्या हो गया? जीरो हो गया। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद आ जाओ बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी सी डी। डी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट, डी पॉइंट पर कितना होगा बेंडिंग मूवमेंट? डी पॉइंट ये है, ये वाला। अब इस डी पॉइंट तक ही देखना, इससे आगे नहीं बढ़ना। अब डी पॉइंट तक देखेंगे, यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई लोड है, ये वाला और एक ये वाला। तो पहले ये वाला लोड आ रहा है तो इसको ले लीजिए माइनस का नीचे की और माइनस का टेन इंटू में डी तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, जिस पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं वहाँ तक की दूरी देखनी है आपको। तो ये लोड हमने ये वाला लिया, यहाँ तक की दूरी कितनी? इस लोड से यहाँ तक की दूरी तीन है, तो आप तीन से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद एक और लोड था, डी पॉइंट तक दो ही लोड थे, ये वाला, तो ये लोड इंटू डी तक की दूरी, फिर ये लोड इंटू डी तक की दूरी। ये लोड कितना? माइनस का टेन है, दूरी जीरो है। समझ आया इतना? ये तो कितना हो गया? ये माइनस का तीस, ये तो जीरो हो गया पीछे का, तो माइनस का तीस आ गया, माइनस का तीस, ठीक है? इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी फोर्स किलो न्यूटन में है, दूरी मीटर में, तो किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? डी के बाद ई पर आ जाओ। अब लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। ई पॉइंट पर देखो बेंडिंग मोमेंट कितना है ई पर। ई पॉइंट ये है, इधर से हम चल रहे हैं तो ई पॉइंट तक तीनों फोर्स आ गए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। पहले इसको लो, ई तक लेना आपको, ई तक। तो पहले ये वाला फोर्स ले रहा है माइनस का टेन इंटू में, दूरी कहाँ तक की लेंगे? ई तक की। तो माइनस टेन से लेके और ई तक की डिस्टेंस कितनी है? तीन और दो पाँच, पाँच। फिर अगला फोर्स ये वाला माइनस टेन ई तक की डिस्टेंस, ये वाली यहाँ से तक दो है, फिर ये वाला माइनस का तीस और ई तक की डिस्टेंस जीरो है इसके लिए, ठीक है? समझ गए ना? तीन फोर्स थे ई तक, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला। पहले ये फोर्स ई तक की दूरी, ये फोर्स ई तक की दूरी, ये फोर्स ई तक की दूरी, ये कर दिया हमने, ठीक है? तीनों नीचे की ओर थे, तीनों माइनस में लिए हैं। वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का पचास हो गया, ये माइनस का बीस हो गया, पीछे तो जीरो हो गया था, तो माइनस का सत्तर आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर हुआ इतना ये? अब इसके बाद ए पॉइंट पर आ जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आप? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, ए पॉइंट तक देखेंगे सारे फोर्स आ गए, ये भी, ये भी, ये भी और ये वाला भी, ठीक है? ए तक माइनस दस और ए तक की दूरी, समझ आ रहा होगा अब तो? माइनस दस और ए तक की दूरी देखो इस वाले से, तीन दो पाँच दो सात, कितना? सेवन। फिर माइनस में अगला वाला दस, ये वाला, और ए तक की डिस्टेंस, यहाँ से ए तक की डिस्टेंस दो दो चार, फिर माइनस में ये वाला तीस, तीस और ए तक की डिस्टेंस कितनी है? दो है तीस से ए तक की डिस्टेंस। फिर ये आर ए आ गया जो ऊपर की ओर है, प्लस में आर ए और इसकी दूरी कितनी होगी? जीरो होगी। इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस का सत्तर आया, माइनस का चालीस हो गया, माइनस का साठ हो गया, कितना हो गया? सौ, एक सौ सत्तर, माइनस का एक सौ
70 आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर। समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर हुआ ये चीज़? तो मैं यहाँ पर ये जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनाया था इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, बिकॉज अब मैं BMD बनाऊंगा तो इतनी कम जगह में नीचे आ नहीं पाएगा, तो आप इसके जस्ट नीचे बनाएंगे, ठीक है? अपनी नोटबुक में क्या करना है आपको, इसके नीचे लाइनें खींचनी है, ऐसे लाइनें खींचनी है ऐसे इस तरह से, और आपको इसके जस्ट नीचे बनाना है, ऐसे लाइन खींचना, आप एक दूसरे के नीचे बनाना है सब डायग्राम, आपको इसके नीचे यहाँ पर खींचना डायग्राम, ठीक है? मैं इसी को ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट। समझ पा रहे हैं आप कैसे बनाएंगे आप? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ SFD वाले डायग्राम को, बना लीजिएगा आप, ठीक है? अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर क्या, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मैं इसमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है? पहली चीज़, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो था, इस पर जीरो, सी पॉइंट पर भी कितना जीरो है, यहाँ भी जीरो है बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ तक जीरो हो गया। डी पॉइंट पर बात करें माइनस तीस मतलब नीचे आएंगे, तीस का मतलब तीन ले लेना आप सेंटीमीटर में, तो तीन मान लिया लगभग यहाँ तक है माइनस का तीस, ठीक? इसके बाद आ जाओ ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर कितना आ रहा है -70, तो तीस सपोज आपने यहाँ तक लेना, ठीक है? तो 70 आ जाएगा, इसके दो गुने से भी थोड़ा ज़्यादा, लगभग यहाँ तक आ गया सपोज -70। अब -170 तो और नीचे आएगा, ठीक है? थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा उसी हिसाब से स्केल मान के करना। आप यहाँ तक मान लिया मैंने माइनस का 170 आ गया आपका, ठीक है? इन सबको मिलाना है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करेंगे और आप कहाँ तक, पहले जीरो से जीरो तक यहाँ तक आ गए, इसके बाद यहाँ से यहाँ आना है आपको, इंक्लाइंड आएंगे, ये आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ आ गए, फिर यहाँ से इस पर आना है तो इस पर आ गए। तो ये डायग्राम आपको कैसा बन गया, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है? ये वाला, इन सब पॉइंटों को यहाँ से फ्री हैंड ही मिलाना है आपको, ठीक है? ज़रूरी नहीं बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, समझ पा रहे ना? स्केल मान के खींचना आप, जितना बनता है आपका पैमाना मानने से, 30 मतलब ये 3 सेंटीमीटर खींच देना, इसको 7 सेंटीमीटर और इसको आप 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करना, इसमें आप एक काम कर लेना, आप 30 सेंटीमीटर इसको 30 को 1 सेंटीमीटर मान के करना, तो 30 को 1 मान के करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 70 वाला, ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला इसको 30 से डिवाइड करना, मतलब स्केल मान लेना आपको अपने हिसाब से, और उस हिसाब से इनको खींचना। आप फ्री हैंड भी खींच सकते हैं एग्जाम में, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इस तरह से, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो कि नेगेटिव होगा, और आपको बताया भी था बनता कैसा है, ट्रेंगुलर बनता है, ये BMD है और देख लीजिए आप ट्रेंगल जैसा ही बन रहा है शेप का। समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर है सभी को, क्लियर है ये चीज़? तो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम दोनों हो चुके हैं इस क्वेश्चन के, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हमारे जन्म से पहले यानी 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, पहले मैं आपको UDL वाला केस और समझा दूं, फिर UDL के क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? फिर आपके डाउट्स वगैरह भी टेलीग्राम पर आप भेजना, चाहे जैसे क्वेश्चन भेजना कैंटिलीवर के, मैं सभी आपको सॉल्व करा दूंगा अगले लेक्चर में। चलिए अब पहले UDL को मूव कर लेते हैं, ठीक है? इसको रफ करते हैं। तो चलिए अब दूसरा स्टैंडर्ड केस देखते हैं, पहले हम UDL वाला, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है SFD एंड BMD फॉर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL एट टोटल लेंथ, यानी जब कैंटिलीवर बीम की पूर्ण लंबाई पर UDL लगा है, टोटल लंबाई पर UDL लगा हुआ है। पहले मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ साइड में। ये कोई कैंटिलीवर बीम है जिसका एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है, और इसकी टोटल लेंथ पर लगा हुआ है UDL, ये टोटल लंबाई है, इस पर हमने UDL लगा दिया, और UDL कितना है W किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है L, इसकी लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक L इसकी लेंथ हो गई, इतना समझ पा रहे हैं? अब चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया, तीन ही स्टेप हैं सिर्फ। पहले स्टेप में रिएक्शन निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, इसी तरह लिख कर के आना। अब देखो आपको क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे समझ में आएंगे वैसे वैसे आसान लगेंगे। रिएक्शन निकालेंगे, यहाँ पॉइंट को नाम दे दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ए पॉइंट पर रिएक्शन, इसको आप ऐसे खींचो और इस पर कह दो RA, ठीक है? RA, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, नीचे डायग्राम बनेगा, इधर लिख दिया हमने RA, ठीक है? ये रिएक्शन है ये वाली। RA की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, ऊपर की ओर RA लग रहा है, इक्वल में नीचे की ओर कौन सा फोर्स है, नीचे की ओर W फोर्स है जो L लंबाई तक लगा हुआ है, ठीक है ना? अब आपको मैंने बताया था, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ लोड पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था UDL का जो टोटल लोड होता है वो W इंटू L होता है, मतलब इसमें लंबाई से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा W इंटू L हो जाएगा। अब नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर था, तो ऊपर की ओर वाला RA एक तरफ लिख लिया, बराबर में नीचे की ओर वाला एक तरफ लिख लेंगे, जो कितना है W इंटू L।
अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब आप शियर फोर्स निकालते हैं तब तो नीचे की ओर लगने वाले फोर्स को माइनस लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं लिया आपने माइनस? बेटा वो हमने माइनस ही लिया है। अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, क्योंकि हमारी संतुलन की अवस्था होती है कि वर्टिकल यानी बाई एक्स वाले जितने फोर्स होते हैं उन सबको जोड़ के जीरो के बराबर लिखते हैं, तो मैंने यहाँ भी वही चीज़ की थी। जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था आर ए, मैंने उसको पॉजिटिव लिया है, और जो फोर्स नीचे को लग रहा था डब्ल्यू इंटू एल उसको नेगेटिव लिया है, बराबर जीरो था। जब मैं इसको इस साइड ले गया तो यहाँ बराबर हो गया, वो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, ये रिएक्शन में हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी बेसिक वही है आपका, ऊपर की ओर वाला प्लस नीचे की ओर वाला माइनस, जब इसको इस साइड ले गए हैं तब ये बराबर में आया है। तो आपके माइंड में ये डाउट हो सकता है, किसी बच्चे के माइंड में हो, अगर था ये डाउट और क्लियर हो गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना, ये आपका इस साइड आके प्लस हो जाता है, इसलिए हम दोनों को बराबर में लिख के प्लस ले देते हैं, क्लियर हुआ। चलिए, तो रिएक्शन आ गई ये वाली, ये क्या होगी, रिएक्शन की वैल्यू डब्ल्यू इंटू एल आ गया। इसके बाद कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स हिंदी में कह देना आप कर्तन बल के लिए गणना, कर्तन बल के लिए गणना कर रहे हैं हम यहाँ पर शियर फोर्स। एक पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट ए है, पहले लिखेंगे आप शियर फोर्स टिल पॉइंट, वही चीज़ें सेम, शियर फोर्स पहले टिल लिखेंगे, टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी, फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब यहाँ पर बी पॉइंट की बात करें, टिल पॉइंट तो जीरो रहता है क्योंकि यहाँ से पीछे तो बीम है ही नहीं, तो जीरो रहेगा यहाँ तक। तो अब इसके बाद अगर आप इस पॉइंट पे देखें बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे भी कोई फोर्स नहीं है, ये भी जीरो ही है, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको बढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ने का मतलब ए पॉइंट पर जाना, तो लिखेंगे पहले आप शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, जब आप टिल पॉइंट ए लिखेंगे और दूसरी बार लिखेंगे आप शियर फोर्स एट पॉइंट ए, पहले टिल पॉइंट ए देखिए, टिल पॉइंट ए का मतलब इस ए पॉइंट तक, इस ए पॉइंट तक ये टोटल यूडीएल आ रहा है इस पर डब्ल्यू इंटू एल का। नीचे की ओर है तो इसको माइनस में लिखेंगे, नीचे की ओर को माइनस में, कितना है डब्ल्यू इंटू एल आ जाएगा टोटल लोड, माइनस में डब्ल्यू इंटू एल, समझ आ रहे हैं। और जैसे आपने एट पॉइंट ए बोला तो एट पॉइंट ए तक यानी ए पॉइंट पर देखेंगे आप, तो एक तो ये वाला लोड था इससे पीछे माइनस का डब्ल्यू एल, और इन टू में सॉरी प्लस में ऊपर की ओर आर ए लग जाएगा, प्लस में ऊपर की ओर आर ए लग गया, और माइनस में डब्ल्यू एल और प्लस में आर ए ऊपर की ओर है जिसकी वैल्यू भी डब्ल्यू एल है, तो कितना हो जाएगा कट के जीरो आ जाएगा, ये समझ पा रहे हैं। तो शियर फोर्स दो ही पॉइंट थे, दोनों पे निकाल दिया ए और बी पे। यहाँ हमें सेक्शन काटने की आवश्यकता नहीं, मैंने टेलोरेट में वो सब शामिल हो गया, बिना सेक्शन के आपको सिखा रहा हूँ ताकि आसान लगे, ठीक है ना। तो आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी और ना ही आपके डायग्राम में कोई गलती होगी, आप बिल्कुल इसी तरह से करके आना एग्जाम में, कोई भी गलत नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाया, अब इसका इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर सीधी लाइन खींची आपने, पहले बी पॉइंट पे देखा फोर्स जीरो था, टिल का हो या एट का दोनों जीरो। ए पॉइंट पे देखा हमने, ए पॉइंट पे कितना है, पहले तो माइनस का डब्ल्यू एल है, माइनस का डब्ल्यू एल था ए पॉइंट पर, उसके बाद फिर जीरो था, ठीक है। बनाएंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक जाना है, और आपको पढ़ाया भी गया था जब यू डी एल आता है तो आपका एस एफ डी बनता है ट्रेंगुलर, बी एम डी बनता है पैराबोलिक, तो वही यहाँ पर आप समझ लेंगे इस चीज़ को। तो आपने इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, क्या मिलाया आपने इसको इससे, तो ये मिल गया आपका, ये ट्रेंगुलर बन गया ना, इसमें हम इंक्लाइंड चलते हैं ट्रेंगल बन जाता है, ये ट्रेंगल बन गया इस तरह से, नेगेटिव बनेगा। तो एस एफ डी था ये एस एफ डी, एस एफ डी कैसा बन गया आपका त्रिभुजाकार, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। यू डी एल का केस में एस एफ डी ट्रेंगल, बी एम डी पैराबोलिक बनता है। अब बात करते हैं बी एम डी के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ आ जाए नीचे, तो कोशिश करते हैं कैलकुलेशन फॉर बी एम डी, इस जीरो को इधर लिख देते हैं बराबर में जीरो, यहाँ लिख देंगे हम क्या, कैलकुलेशन फॉर बी एम डी। बी एम डी के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, बी एम डी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दो पॉइंट है, पहला बी पॉइंट यहाँ लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अब आ जाओ ए पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लोड कितना है, नीचे की ओर आ रहा माइनस में डब्ल्यू एल, ये तो टोटल लोड है लोड। और आपको मैंने ये पढ़ाया भी था कि यू डी एल हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, मतलब इसमें आधी दूरी लेते हैं, जितनी लंबाई तक यू डी एल लगा है एल तक लगा है, तो एल का आधा ही लेंगे एल बाई टू। ये तो हो गया आपका टोटल लोड, और जब हम मूवमेंट लेते हैं तो ये सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में,
अगर मैं इसको टोटल लोड में चेंज कर दूं पॉइंट लोड की फॉर्म में तो डब्ल्यू एल आएगा और सेंटर पर काम करेगा, मतलब सेंटर पॉइंट से ए तक की दूरी एल बाई टू होगा, एल का आधा एल बाई टू होगा, ये सभी को समझ आ रहा है ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, एल का एल में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, कितना आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना दीजिए, अब नीचे बी एम डी का डायग्राम, बेंडिंग मूमेंट डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर हम। तो ये तो हो गया आपका पैरेलल लाइन, दो समांतर लाइनें खींचते हैं, पहले यहाँ पर मूवमेंट जीरो था, यहाँ पर आपने देखा मूवमेंट कितना आया है माइनस में डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई टू, ठीक है डब्ल्यू स्मॉल वाला डब्ल्यू ये। अब आपको क्या बताया गया, आपको पढ़ाया गया है कि जब किसी भी बीम पर यू डी एल हो तो एस एफ डी बनता है ट्रेंगुलर और बी एम डी बनता है पैराबोलिक, पर्व वाले तो पैराबोला कौन सा है ऐसे वाला, तो आप ऐसे चलेंगे पैराबोला, कर्व की फॉर्म में चलना है आपको इस तरह से, यहाँ मिला देना है, समझ पा रहे हैं ना, इस तरह से कर्व की फॉर्म में माइनस में बनेगा। तो ये भी सभी को समझ आ रहा है, ये बन गया आपका बी एम डी, ये क्या बन गया बी एम डी। अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कैंटिलीवर बीम की जब टोटल लंबाई पर यू डी एल लगा हो तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई टू। ये क्वेश्चन जेई में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है सिर्फ इतना सा पूछा है क्या, जब किसी कैंटिलीवर बीम पर यू डी एल लगा हुआ हो तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू होता है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि नीचे की ओर लगा हुआ है लोड आपका, नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रट लीजिएगा इसको अच्छे से लिख करके, ठीक है पूछ सकता है आपसे। और मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया है, मैक्सिमम शियर फोर्स डब्ल्यू एल आता है, ठीक है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आता है। बताइए सभी को क्लियर हो गया, ये सभी को समझ आ गया। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड केस आपका एसएफडी बीएमडी का दूसरा वाला केस, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका क्वेश्चन करा देता हूँ पहले एक, ठीक है उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे, इसको रफ करते हैं देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें कोई एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी टोटल लंबाई 1.5 मीटर है और इसके फिक्स एंड से 1.2 मीटर तक का यूडीएल लगा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमें इसके लिए एस एफ डी बी एम डी बनाना है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसके लिए आप एस एफ डी और बी एम डी खींचिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या बताया है, पहला स्टेप हो गया आपका रिएक्शन निकालनी है, रिएक्शन रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, ठीक है यहाँ पर रिएक्शन एक ही रिएक्शन होगी एक ही सिरे पर सिर्फ, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये तो फिक्स एंड है और फिक्स एंड पे तो दो रिएक्शन होती है और एक मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर बीम पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा, इस साइड से हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा तो हम हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन भी नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मूवमेंट नहीं लग रहा कोई भी तो मूवमेंट भी नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन लेते हैं इस तरह से। ये क्या हो गया आपको वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है आर ए कह दीजिए ए पॉइंट पर। अब इस आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या बताया है, संतुलन की अवस्था लिखते हैं हम हिंदी में, तो कह देते हैं क्या संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, और इंग्लिश में कह देंगे आप इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, ऊपर की ओर क्या लग रहा है आर ए लग रहा है, तो आर ए इक्वल टू नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, अब यू डी एल लग रहा है, और यू डी एल की सबसे खास बात क्या है, जितनी लंबाई तक लगता है इसमें उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल लोड निकालने के लिए, बिकॉज थ्योरी की क्लास में आपको बताया ही था टोटल लोड बराबर डब्ल्यू इंटू एल होता है, तो यहाँ दूरी से भी गुणा करना होगा आपको लोड निकालने के लिए। तो 12 और कितनी दूरी तक लगा है 1.2 मीटर तक, तो यहाँ कर देंगे हम 12 और इंटू में 1.2, तो रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से रिएक्शन देख लीजिए 12 दूनी 24 दो हो गया, 12 कन 12 और दो 14 14.4 आ गया आपका, यूनिट क्या है किलो न्यूटन, 14.4 किलो न्यूटन आ गया टोटल लोड जो कि रिएक्शन की वैल्यू हो गई। इतना समझ आया, रिएक्शन के जस्ट बाद हम क्या करते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, हम शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करेंगे हम, इस साइड से, हम आरएचएस की तरफ से चलेंगे इस साइड से, पहले हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे देखेंगे शियर फोर्स, बी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, तो टिल पॉइंट बी और एट पॉइंट बी दोनों ही जीरो होगा, लिख दीजिएगा शियर फोर्स टिल पॉइंट
टेल पॉइंट भी, ये भी जीरो, और शियर फोर्स एट पॉइंट भी, ये भी जीरो। यहाँ तक समझ आया? ऐसे आप बी से सी तक आएंगे, सी तक भी कोई लोड नहीं है, तो शियर फोर्स टेल पॉइंट सी, टेल पॉइंट सी एंड शियर फोर्स एट पॉइंट सी, बस टेल और एट निकालते चलिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, टेल पॉइंट सी, बी से सी तक कोई लोड नहीं आ रहा, जीरो। सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर भी कोई लोड नहीं, यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक कोई लोड नहीं है, यानी यहाँ पर भी जीरो हो गया। ठीक है, अब सी के बाद कहाँ आएंगे आप? सीधे ए पॉइंट पर आएंगे। अच्छा, बुकों में आपके में क्वेश्चन इस तरह भी दे रखा, बीच में कोई एक जगह सेक्शन काट दिया होगा एक्स डिस्टेंस पर, वहाँ आप निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप बिना सेक्शन के कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हम डायरेक्टली कर लेते हैं, किस पॉइंट पर? ए पर। अब शियर फोर्स अगर सेक्शन काट के भी आपको करना हो तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस साइड में कहीं सेक्शन काटना, इस साइड से एक्स डिस्टेंस लेकर के, और आप शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आपको बहुत आवश्यक नहीं है। सेक्शन काटने की सिंपली सपोर्टेड बीम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वहाँ नहीं होगा सॉल्व, तो वहाँ काटेंगे हम। ठीक है, वहाँ दिखाएंगे आपको। अभी कैंटिलीवर में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो शियर फोर्स टिल पॉइंट, टिल पॉइंट ए, ए पॉइंट पर आ गए अब आप। सी के बाद अगला पॉइंट ए है, टिल पॉइंट ए, फिर आएगा एट पॉइंट ए, दोनों को देखेंगे, टिल पॉइंट ए और एट पॉइंट ए। पहले टिल पॉइंट ए की बात करते हैं। टिल पॉइंट ए मतलब ए पॉइंट तक, ए पॉइंट पर नहीं, ए पॉइंट तक। तक का मतलब है इससे पहले पहले, इससे पहले पहले बार है, और यूडीएल है, टोटल लोड कितना नीचे की ओर है, तो माइनस में बार है, और डिस्टेंस भी लेंगे यहाँ पर यूडीएल में, लंबाई से भी गुणा करते हैं फोर्स निकालने के लिए, तो 1.2 मीटर तक लगा है ये। ठीक है, जितनी दूरी तक लगा हुआ है उतनी दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल लोड यूडीएल में WL होता है। इतना समझ आया? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14.4, 14.4 आ गया किलो न्यूटन में। यहाँ तक समझ आया? आगे लिख देंगे आप, नहीं ऊपर लिखना था, तो सॉरी यहाँ लिखना था, बराबर में 14.4 किलो न्यूटन। ठीक है, ये टिल पॉइंट हो गया। अब एट पॉइंट पर देखिए, एट पॉइंट पर कितना हो जाएगा, ये तो आ गया, यहाँ तक तो आप निकाल चुके हैं 14, नीचे को है माइनस में आएगा, माइनस में 14.4, एंड प्लस में कर देंगे ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, तो ऊपर की ओर आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू माइनस में 14.4, और प्लस में ऊपर की ओर आर ए है, प्लस का आपका 14.4, कट के जीरो हो गया ये, क्योंकि 14.4 एक प्लस का है एक माइनस का है, जीरो आ गया। शियर फोर्स कैलकुलेट हो गए, अब शियर फोर्स डायग्राम बना देंगे, यहाँ से नीचे लाइन खींचेंगे इस तरह से, ऐसे यहाँ भी जितने पॉइंट है सभी पॉइंटों को नीचे ले आते हैं इस तरह से, क्लियर ना? हमें बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन खींच दी एक, ठीक। अब इन पर फोर्स देखिए कितना कितना है, पॉइंट कौन से, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जीरो था फोर्स, सी पॉइंट पे भी जीरो है, टिल एट दोनों ही जीरो थे सी पर। यहाँ तक समझ आ गया इतना। अब बात करते हैं ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पहले है फोर्स कितना, माइनस का 14.4, सपोज माइनस का 14.4 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, एंड बाद में था जीरो। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक तो सीधे गए आप जीरो से जीरो तक, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। इसके जस्ट बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो सीधे आ गए, ठीक है। इसके बाद UDL आ गया, UDL में SFD त्रिभुजाकार बनता है, तो आपको इस पॉइंट से सीधे इस पॉइंट पर आना है ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से सीधा खींचेगा लाइन बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से फिर ऊपर मिला देना है इसको, तो ये आपका बन गया यहाँ पर क्या, शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव बनेगा। समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 14.4 किलो न्यूटन, 14.4 किलो न्यूटन नेगेटिव है ये, ठीक है, नीचे की ओर था इसलिए। समझ आया सभी को? ये हो गया इसका शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप कैलकुलेशन फॉर BMD, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन कीजिए, बेंडिंग मोमेंट में टिल और एट दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं होती, टिल और एट वहीं लिखते हैं जहाँ पर UDL के ऊपर पॉइंट लोड लगा हो, अदरवाइज केवल एट एट लिख दीजिए काफ़ी है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या हम, शियर फोर्स एट पॉइंट, पहले बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर शियर फोर्स नहीं बेंडिंग मोमेंट, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, बी पॉइंट ये है, इस पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो मोमेंट भी नहीं होगा। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे आप सी पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट देखिए कोई फोर्स नहीं है तो ये मोमेंट भी जीरो होगा। इसके बाद ए पॉइंट पर निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए,
ए पॉइंट पे देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, पहले यूडीएल की वैल्यू, टोटल लोड नीचे की ओर है, माइनस में लेंगे कितना लोड है, 12 लग रहा है 1.2 मीटर डिस्टेंस तक, ये तो टोटल लोड हो गया। एंड आपको बताया था यूडीएल हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, जब मूवमेंट लेते हैं हम तो जितनी दूरी तक लगा है उसका आधा और ले लेंगे, यहाँ 1.2 है ये, 1.2 का हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 बाई 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये, इसमें आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, आपको एग्जाम में भी अलाउ रहता है कैलकुलेटर। तो 12 इंटू में 1.2 इंटू में 1.2 और डिवाइड बाई टू कितना आ गया, 8. यहाँ लिख देते हैं नीचे 8.64, ये मूवमेंट है तो किलो न्यूटन इंटू मीटर में आएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ, समझ आ गया, इसका डायग्राम भी खींच दीजिए, ऐसे नीचे ले आएंगे पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट्स को नीचे लाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, यहाँ मूवमेंट जीरो, यहाँ भी मूवमेंट जीरो, इस ए पॉइंट पे कितना आया है मूवमेंट, माइनस का, नेगेटिव था ना तो माइनस का आएगा, माइनस में 8.64, यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ ना ये। अब यहाँ से यहाँ तक आए, अब यूडीएल में कैसा बनता है डायग्राम, पैराबोलिक बनता है, जस्ट अभी आपको बताया था, तो अब यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक मिलाएंगे इसको, ऐसे कर्व की फॉर्म में, समझ पा रहे हैं ना, तो ये मिल गया आपका पैराबोलिक। इतना बताइए सभी को समझ आया ये, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया बीएमडी, ये एसएफडी है एसएफडी, और ये बन गया बीएमडी, ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये बन गया इसका क्या, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इतना बताइए समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब हम पहले बैक टू बैक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, यूडीएल पॉइंट लोड वाले मिक्स जितने भी हैं, लास्ट में यूबीएल भी देख लेंगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, चलिए हटा दें इसको, चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने। अब हमें इसके लिए भी एसएफडी बीएमडी खींचना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि आपको इजीली एसएफडी बीएमडी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखते चलना है आपको, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने से लगा लेंगे एक बार, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। रिएक्शन अब तो आपको समझ आ गया होगा, ए पॉइंट पर रिएक्शन आएगी आर ए, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, हिंदी में कहते हैं इसको संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, अवस्था में इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में कंडीशन में क्या होगा, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स यानी जो आर ए लग रहा है बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स। इस बार नीचे की ओर कितना फोर्स है, 10 किलो न्यूटन का है और 1.6 मीटर की दूरी तक। तो 10 किलो न्यूटन का है, कितनी दूरी तक, 1.6, इतनी डिस्टेंस तक टोटल लोड आ गया ये, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं तो इसको माइनस में नहीं लेते, माइनस में इस साइड लेते हैं, ठीक है। अब कन्फ्यूज में होता ना, आप सोचेंगे एसएफडी बीएमडी जब कर रहे थे हम कैलकुलेशन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, तब तो नीचे की जो और जो फोर्स लग रहा है उनको माइनस में लिया था, तो यहाँ भी माइनस में ही लिया है, बस इसको इस साइड ले आए हैं ना। आपको मैंने पीछे बताया भी था क्या किया हमने, आर ए ऊपर की ओर था प्लस में लिया और ये नीचे की ओर था 10 × 1.6, इसको माइनस में लिया, बराबर में जीरो करते हैं हम सिग्मा एफ वाई की तरह से, जब इसको इस साइड लाते हैं इधर आके प्लस हो जाता है, ठीक है ना। बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूज कहीं भी नहीं होना आपको। जब भी रिएक्शन निकालेंगे तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाले फोर्स, यही हमने यहाँ किया है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए कितना आ जाएगा आपका, 16 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। यूडीएल में हमेशा लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी लंबाई तक ये लगा होगा वहाँ तक का मल्टीप्लाई सिर्फ, ठीक है ना। अब करेंगे कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, यहाँ लिख देंगे आप कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, कर्तन बल के लिए गणना। अब शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन पहले बी पॉइंट से शुरू करना है, तो शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल और एट लिखते चलना है बस, टिल पॉइंट बी, फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी। टिल पॉइंट बी पर शियर फोर्स जीरो, एट पॉइंट बी जीरो, क्योंकि टिल का मतलब बी से पहले पहले, पहले पहले बीम भी नहीं है तो लोड भी नहीं होगा, जीरो हो गया। अब बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कोई लोड नहीं है ऊपर से, ठीक है ना, तो ये भी जीरो है। अब बी के बाद सीधे किस पर आएंगे, सी पॉइंट पर, तो पहले लिखेंगे शियर फोर्स
टिल पॉइंट सी, फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट सी। टिल पॉइंट सी पर देखिए कितना है, सी पॉइंट यह यानी इस पॉइंट तक इधर से चल रहे हैं आप यहाँ तक, तो यहाँ तक यूडीएल आ रहा है ये वाला, नीचे की ओर है माइनस में 10 × 1.6, लंबाई से मल्टीप्लाई आपको जरूर करना है। कितना हो जाएगा ये 16, नेगेटिव का आएगा माइनस का कितना 16 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद जब एट पॉइंट सी बोलेंगे तो सी पॉइंट पर ऊपर से अलग से कोई लोड तो आ नहीं रहा, इस पॉइंट पर यही वाला पीछे वाला लोड ही रहेगा सेम, माइनस का 16 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सी के बाद किस पर आएंगे, ए पर, तो लिखेंगे यहाँ पर आप क्या, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। पहले टिल पॉइंट ए बताइए, सी से ए तक कोई भी लोड नहीं है, सेम यही रहेगा माइनस का 16 किलो न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। अब जब आपने एट बोल दिया, एट ऊपर को आर ए और आ गया ऊपर की ओर, तो माइनस में 16 और प्लस में आर ए, आर ए की वैल्यू कितनी थी, प्लस का 16 थी, तो माइनस का 16 प्लस का 16 बराबर कितना हो गया ये 0। समझ आया, जीरो से स्टार्ट करके जीरो पे ही ख़त्म करना है आपको, अगर जीरो लास्ट में नहीं आता तो आपने कुछ मिस्टेक किया, चेक कर लेना, ठीक है ना, जीरो ही आएगा अंत में। चलिए इसका शियर फोर्स डायग्राम खींच लेते हैं, शियर फोर्स डायग्राम यहाँ खींच लेते हैं, ठीक है। देखो अब इस पॉइंट पे जीरो था, टिल और रेड दोनों, ठीक है, रेड पेन का यूज कर लेते हैं, ये जीरो है। इसके जस्ट बाद आ जाओ किस पर, सी पर, सी पर कितना माइनस का 16 है पहले, फिर माइनस का 16 मतलब माइनस का 16 ही है, तो आप इस पर माइनस का है तो नीचे लेंगे लाइन से नीचे लेंगे, यहाँ तक ले लो, मान लिया 16 मान लिया अपने माइनस का 16, ठीक। इसके बाद ए पॉइंट पर पहले माइनस 16 है बाद में जीरो है, तो पहले माइनस 16 तो इसके बराबर ही रहेगा, सेम इसके इक्वल यहाँ तक माइनस का 16, इसके बाद फिर हो गया जीरो। समझ पा रहे हैं। चलिए अब डायग्राम बनाएंगे, अब ध्यान से समझेंगे कैसे बनेगा डायग्राम। यूडीएल लगा है, जितनी लंबाई तक यूडीएल लगा है वहाँ तक तो रहेगा ट्रेंगुलर एसएफडी, ठीक है, बीएमडी पैराबोला हो जाता है, तो यहाँ तक तो ट्रेंगुलर, ट्रेंगल मतलब सीधी लाइन में मिलाना है आपको ऐसे, इससे समझ गए, ये बन गया ट्रेंगल। इसके जस्ट बाद फिर कोई लोड नहीं है, 16 से 16 तक सीधे कॉन्स्टेंट चलेंगे आप, ठीक है ना, कोई लोड ना हो या पॉइंट लोड हो कॉन्स्टेंट चलते हैं, इतना समझ आ रहा है। इसके बाद इसको ऊपर मिला देंगे यहाँ पर, क्लियर हुआ, तो ये बन गया हमारा डायग्राम, इसको चाहे तो डैश डैश करके दिखा सकते हैं यहाँ तक, ये बन गया आपका डायग्राम, और ये नेगेटिव बनेगा। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया आपका, 16, इसको यूनिट लिख देना किलो न्यूटन, यहाँ भी किलो न्यूटन, ये बताइए इतना क्लियर हुआ, शियर फोर्स डायग्राम बन गया इसका ये। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यहाँ लिखेंगे आप कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, केवल बीएम लिख दीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए आपके कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3, तीनों पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। पहले आप लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, शियर फोर्स जीरो था बी पर, तो बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा क्योंकि फोर्स है ही नहीं उस पर। इसके बाद आ जाओ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी के जस्ट बाद क्या सी है, सी, सी पर देखेंगे आप बेंडिंग मोमेंट कितना है, आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट ये, तो आपको इधर से चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ से सी तक कितना लोड आ रहा है, 10 × 1.6 तो लोड है, नीचे की ओर है माइनस में लेंगे 10 × 1.6, ये तो हो गया टोटल लोड की वैल्यू, ठीक है। इंटू यूडीएल हमेशा आधी डिस्टेंस तक कार्य करता है, आधी डिस्टेंस का मतलब क्या है, कितनी लंबाई तक लगा है ये लगा है 1.6 तक, तो आधी का मतलब बीच में यहाँ कहीं काम करेगा टोटल लोड, तो यहाँ से और सी तक की दूरी लेनी है आपको क्योंकि सी पर ले रहे हैं मूवमेंट, तो 1.6 का आधा हो जाएगा ये, 1.6 अपॉन में 2 हो जाएगा, इतना बताइए समझ आ रहा है। तो कितना हो गया ये, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा देखिए, 1.6 डिवाइड बाई 2, 0.8 आ गया, 0.8 और ये वाला 16 था आपका 16, तो यार 12.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ तक बताइए समझ गए। अब सी के बाद आएंगे किस पर, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मूवमेंट आपको और ध्यान से लेना है, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट, इस ए पॉइंट से देखिए इस साइड के कितने लोड आ रहे हैं, ए पॉइंट से इधर को केवल यही आ रहा है एक माइनस का 10, ठीक है,
माइनस का 10, अब ये UDL है तो टोटल लोड हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 1.6, जितनी लेंथ तक लगता है उससे मल्टीप्लाई जरूर करना है क्योंकि टोटल लोड WL होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अभी आपको क्या बताया था, UDL सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर इसका बिल्कुल बीच में होगा, यहाँ कहीं यहाँ होगा, मतलब कितनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हाफ हो जाएगी, 1.6 था इसका, आधा कितना हो जाएगा 0.8 मीटर पर, सेंटर यही तो है इसका, तो यहाँ पर कितना हो गया 1.8 पर इसका टोटल लोड यहाँ काम करेगा। और हमें यहाँ से दूरी कहाँ तक की लेनी है, ए तक की, ए तक की का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए आपको, समझ पा रहे हैं ना। तो ये कितना 0.8 और ये 0.4, दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मतलब आपको UDL जितनी डिस्टेंस तक लगता है वो सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर मतलब आधा कर देंगे आप, आधा से मतलब क्या 1.6 का हाफ कर दिया आपने। ठीक है, ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक UDL आ गया, लेकिन हम ले रहे हैं मूवमेंट ए पर, तो ए तक की डिस्टेंस आपको लेनी है इसमें, तो ए तक की डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया 0.4 आप और ऐड कर देंगे, ये बताइए, इतना समझ पा रहे हैं ना। तो मैं इसको आधे को यहाँ पर 0.8 लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में और समझने में आसानी रहे। इतना क्लियर हुआ, मैं एक बार मूवमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनको अभी भी समझ नहीं आया हो एक बार ध्यान से देख लेंगे सामने। जब बी पॉइंट की हमने बात की तो आपको केवल बी पॉइंट तक चलना, इससे आगे नहीं बढ़ना, बी पॉइंट पर फोर्स कोई नहीं था, जीरो था, तो आपको बेंडिंग मूवमेंट भी जीरो हो गया। अब बात कर रहे हैं सी की, सी पॉइंट का मतलब सी तक ही देखना, इससे आगे नहीं जाना, सी तक देखेंगे तो लोड आ रहा है, टोटल लोड 10 × 1.6, ये तो टोटल लोड हो गया। UDL में टोटल लोड के लिए हमेशा लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल लंबाई से, जितनी लंबाई तक UDL लगा है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, टोटल लोड 10 × 1.6 आ गया, एंड ये हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, टोटल लोड बिल्कुल सेंटर पर, सेंटर कहाँ होगा इसका, 1.6 का आधा कर देंगे तो 0.8 मीटर पर, यानी यहाँ से आधा की दूरी 0.8, और हम ले रहे हैं मूवमेंट सी पर, तो सी तक की दूरी लेंगे, 1.6 का आधा कर दिया ये वाला। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 12.8 आ गया। अब जब हम ए पर लेंगे मूवमेंट, ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर कितना आएगा, ए पॉइंट से पहले पहले देखो ये वाला लग रहा है आपका UDL, जो नीचे की ओर है माइनस में लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद ये आपका कितना था, 10 था, टोटल लंबाई 1.6 है, टोटल लोड तो आ गया 10 × 1.6, ये तो टोटल लोड की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, मूवमेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस UDL की क्या होगी, UDL ये वाला आपका अपने सेंटर पर कार्य करेगा, यहाँ से यहाँ तक है UDL, इसका सेंटर कहाँ होगा, 1.6 का आधा बीच में, यहाँ आधा मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 0.8 मीटर, इधर भी 0.8 होगी क्योंकि इसका आधा कर दिया ये। हमें मूवमेंट लेना है ए पॉइंट पर, तो 0.8 तो ये हो गया, और हमें ए तक जाना है 0.4 ये है, तो 0.8 प्लस 0.4 ये इसकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, ये तो आ रहा 0.8 प्लस 0.4, ये तो आपका 1.2 था, इस 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो इस तरह से 19.2 आ रहा है, कितना आ रहा है 19.2, यहाँ लिख देते हैं इक्वल का साइन था, ये माइनस का 19.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ भी माइनस का साइन लगा लीजिएगा, नेगेटिव थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि नीचे की ओर है नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी। ये भी समझ आ गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल गई आपकी 19.2, क्लियर, और यही आ रहा है इसमें आंसर में भी। तो इसका डायग्राम भी खींच लीजिए इस तरह से, नीचे को लाइन खींच दिया आपने, ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। अब डायग्राम बना देते हैं, पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे बीम के नीचे समांतर, बिल्कुल खींच दी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक, यहाँ पर देखा बेंडिंग मोमेंट जीरो था, इसके बाद सी पॉइंट पे कितना, माइनस का 12.8, इस पर आया है माइनस का 12.8, मान लीजिए यहाँ तक था माइनस का 12.8, इसके बाद बेंडिंग मोमेंट कितना है, बेंडिंग मोमेंट और ज़्यादा है इससे, यहाँ मान लिया माइनस का 19.2, इसको मिलाएंगे, UDL आ रहा, पैराबोलिक चलेंगे, कैसे, पैराबोला ऐसे कर्व की फॉर्म में, इसके बाद यहाँ पर कोई लोड नहीं है, सीधे इंक्लाइन चलेंगे, यहाँ पैराबोला नहीं चलेंगे, सीधी चलेंगे बिल्कुल लाइन, ऐसे समझ पा रहे, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, ये यहाँ कर्व की फॉर्म में चलना था, ये चीज़ समझ आ रही है। UDL के केस में पैराबोलिक बनता है, और जब कोई लोड नहीं आता या फिर पॉइंट लोड आता है तो वहाँ पर कैसा बनता है, इनक्लाइंट चलते हैं, ट्रायंगुलर बनता है। ठीक है ना, ये बताइए, इतना क्लियर हुआ, बीच में माइनस लगा दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका डायग्राम हो गया तैयार, क्लियर समझ आया ना। अच्छा, आपके मन में ये चल रहा होगा आर ए क्यों नहीं लिया, अगर आप आर ए लेते भी तब भी इसकी डिस्टेंस जीरो थी, वो जीरो ही हो जाता, आर ए इंटू ए तक की दूरी जीरो थी, इसलिए उसको छोड़ दिया था, आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, अब तो दो तीन क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं, रिएक्शन, लिख लेंगे यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है, प्रतिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। अब संतुलन की अवस्था में आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रिएक्शन निकालता हूँ,
ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर रिएक्शन आएगी आर ए, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए लग रहा है ऊपर की ओर, तो आर ए इक्वल टू नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, यूडीएल। कितनी लंबाई तक लग रहा है यूडीएल, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर तक लग रहा है, तो 10 × 2 हो जाएगा, 10 × 2 इक्वल टू 20, 20 किलो न्यूटन आ गया, किसकी वैल्यू, आर ए की वैल्यू। रिएक्शन समझ गए, आगे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो शियर फोर्स के लिए कीजिए कैलकुलेशन, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, बी पॉइंट से, बी पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो है, शियर फोर्स पहले लिखेंगे टिल पॉइंट बी, ये भी जीरो है, एंड फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी, ये भी जीरो है, ठीक है, टिल और एट दोनों जीरो, बी पर सेम, बी से सी तक कोई लोड नहीं है, तो सी पर भी जीरो है, शियर फोर्स टिल पॉइंट सी, ये भी जीरो, एंड शियर फोर्स एट पॉइंट सी, ये भी जीरो सी तक, ठीक है। अब आ जाओ इस पर डी पॉइंट पर, शियर फोर्स टिल पॉइंट डी, फिर लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट डी, टिल पॉइंट डी देखिए, अब डी पॉइंट ये है, यहाँ तक देखिए कितना, यहाँ से पीछे पीछे देखना, आगे नहीं जाना, यहाँ से पीछे पीछे 10 लग रहा है, नीचे की ओर है तो माइनस में लिखेंगे 10, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2 मीटर तक लग रहा है ये, क्योंकि यूडीएल में हमेशा लंबाई से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा आपको जरूर, क्योंकि हमने पढ़ा है यूडीएल में टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल होता है, और जितनी लेंथ तक लगता है यूडीएल उतने से करते हैं मल्टीप्लाई, ये समझ आया। तो आ गया टोटल लोड की वैल्यू कितना आ रहा, माइनस का 20 किलो न्यूटन, इतना समझ आया। इसके बाद आओ एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर अलग से तो कोई फोर्स है नहीं, पीछे पीछे यही वाला फोर्स है सेम, -20 किलो न्यूटन ही रहेगा, क्लियर। इसके बाद आ जाओ ए पॉइंट पर, शियर फोर्स टिल पॉइंट ए, यानी डी से और ए तक कोई लोड नहीं आ रहा, डी से ए तक, तो सेम रहेगा -20 किलो न्यूटन। इसके बाद लिखेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए, अब जब आप एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर आर ए आ गया ऊपर की ओर, तो पीछे तो -20 था, प्लस में ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, आर ए की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो -20 + 20 = 0, क्लियर हुआ सभी को ये। तो हमने ये शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया सभी पॉइंट्स पर, टिल और एट दोनों, ठीक है। आगे लिखेंगे आप कैलकुलेशन फॉर बी एम डी, दोनों को एक साथ बना देंगे डायग्राम को, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर बी एम डी, यानी या केवल बेंडिंग मूवमेंट बी एम लिख दीजिएगा यहाँ पर, यानी बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेशन। बी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है, तो मूवमेंट भी जीरो, फोर्स भी जीरो, यहाँ लिख देंगे क्या, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर जीरो है, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर भी कोई फोर्स नहीं यहाँ से यहाँ तक, ये भी जीरो है, ठीक है। अब आएंगे किस पर, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी के बाद डी आ जाएगा, डी, डी पॉइंट पर आपको बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है, डी पॉइंट ये है, तो यहाँ से पीछे पीछे ये वाला फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, तो नीचे की ओर माइनस में लिखेंगे कितना फोर्स है, टोटल लोड हो जाएगा 10 × 2, टोटल लोड कितना है 10 × 2, यानी 20 तो लोड आ रहा है, ये समझ आ रहा है। एंड डिस्टेंस कितनी रहेंगे डी तक की, तो यूडीएल हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, तो ये 2 मीटर है, सेंटर बीच में होगा कहीं यहाँ पर, तो 2 मीटर का मतलब सेंटर 1 मीटर हो जाएगा, यहाँ से और डी तक की दूरी ये वाली है 1 मीटर होगी, 2 का आधा ही तो करेंगे, टोटल डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है जहाँ तक यूडीएल लगा है उसका हाफ करते हैं, यूडीएल 2 मीटर तक लगा है तो 1 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, डी तक की डिस्टेंस 1 मीटर, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया ये, -20 kN·m, यहाँ तक बताइए, इतना समझ आ रहा है सभी को, इतना क्लियर है। चलिए आगे एक और लास्ट पॉइंट, अब ए पर और निकाल दीजिए, तो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ निकाल दे रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, जब आप ए पॉइंट पर निकालेंगे, ए पॉइंट ये है, इससे इधर इधर देखना पीछे पीछे, ये लग रहा है लोड, तो ये टोटल लोड नीचे की ओर है, माइनस में लेंगे कितना टोटल लोड, 10 × 2, ये तो टोटल लोड है 20, लोड कितना टोटल 20, हमेशा यूडीएल में लंबाई से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, 20 है। अब डिस्टेंस कितनी लेंगे, डिस्टेंस आपको ए तक की लेनी है, इस यूडीएल की ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी,
तो सेंटर पर लगता है यूडीएल, यहाँ लगेगा सेंटर पर, यहाँ यूडीएल का सेंटर बीच में होगा यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, हमें जाना है ये तक 1 मीटर ये है, तो एक और एक कितना हो गया 2 मीटर, समझ आ रहा है ना। यूडीएल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पर, तो इसका सेंटर बीच में होगा। अब इससे लेकर के और ए तक की डिस्टेंस, बीच में का मतलब 2 का आधे पर, यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 ये, ठीक है, कितना हो गया माइनस का 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सभी फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गए, क्लियर ना। चलिए आप कर लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए, इसका डायग्राम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, डायग्राम रेड से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइनें खींच लीजिए पहले नीचे इस तरह से, ऐसे पहले बनाएंगे शियर फोर्स, यहाँ लाइन खींची आपने सीधी, अब देखिए शियर फोर्स यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, बी और सी पर दोनों जीरो जीरो हैं, ठीक है, बी पॉइंट पे भी जीरो था, सी पॉइंट पे भी जीरो है, और सी के बाद डी पर आ जाओ, डी पर पहले -20 है, डी पॉइंट ये है, इस पर -20, सपोज -20 मान लिया आपने, यहाँ तक आ रहा है -20 का मतलब है आप 2 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा, 10 किलो न्यूटन का 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर मान के, यहाँ तक हो गया -20, एंड फिर डी पॉइंट पर दोनों जगह -20 है, यहीं रहेगा, इतना ही रहेगा -20, डी के बाद ए पर आ जाओ, ए पॉइंट ये है, -20 है, फिर जीरो है, पहले -20 इसके सीध में रहेगा, यहाँ माइनस का 20, उसके बाद फिर कितना जीरो है, ये बताइए समझ आ रहा है। बी के दोनों फोर्स जीरो थे तो बी पर दोनों जीरो, सी पर दोनों जीरो थे टिलोरेट, दोनों जीरो है, और डी पर दोनों -20 थे, -20 है, ए पर -20 और जीरो था, -20 और जीरो, अब इन सबको मिला दीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक सीधे चले आप, ये आ गए, इसके बाद यूडीएल लगा है और आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो इंक्लाइंड चलेंगे शियर फोर्स में इंक्लाइंड, ठीक है, इसके बाद कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट चलेंगे, 20 से 20 पे आ गए यहाँ तक, ये डायग्राम कैसा रहेगा, नेगेटिव, ये हो गया आपका क्या, शियर फोर्स डायग्राम। अब बनाना है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम खींच लीजिए, ठीक है, ये पहले लाइन खींचेंगे सीधी एक, बेंडिंग मूवमेंट बी पॉइंट पे कितना था जीरो, सी पॉइंट पे कितना था जीरो, बी और सी पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो थे, जीरो दिखा दिए, इसके बाद आ जाओ डी पॉइंट पर, डी पे कितना था -20, तो डी पॉइंट ये है, इस पर -20 दिखाएंगे, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 20, इसके बाद ए पॉइंट पर कितना माइनस का 40, 40 मतलब इसका जस्ट डबल, लगभग यहाँ तक मान सकते हैं आप 40, माइनस का 40, यूनिट दिखा सकते हैं किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ भी किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये वाला आपका शियर फोर्स है किलो न्यूटन में होगा, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा, जीरो से जीरो तक तो सीधे गए आप सीधी लाइन में ये, इसके बाद यूडीएल है, यूडीएल में पैराबोला बनता है, तो यहाँ पैराबोला बनेगा कर्व, ठीक है, फिर कोई लोड नहीं है तो आपका त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, मतलब सीधी लाइन से मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये कर्व रहेगा यहाँ से स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्लियर हुआ सभी को, और सीधा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये कैसा कर्व है, कर्व इस तरह से, यस, ये क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, दोनों ही नेगेटिव बन रहे हैं कैंटिलीवर के केस में, दोनों नेगेटिव हो गए, इतना बताइए क्लियर हो गया सभी को, ये शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वैल्यूज चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रही है वैल्यूज, ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया है 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है 20 किलो न्यूटन, क्लियर हो गया ये। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों लगे हुए हैं एक ही बीम पर, ठीक है, उसको और ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और साथ साथ आप सॉल्व करते रहें जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इसे रफ करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये 5वां क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने पिछले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया था, अब समझ लीजिएगा, एक हमने अब तक पॉइंट लोड का क्वेश्चन किया है और 3 हम यूडीएल के कर चुके हैं ना, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ये 5वां क्वेश्चन है, इसके अलावा 2 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख ली थी डब्ल्यू लोड की फॉर्म में, एक तो डब्ल्यू लोड जब पॉइंट लोड लगा था मुक्त सिरे पर वो देखा था, और एक यूडीएल लगा था डब्ल्यू की फॉर्म में वो देख लिया था, 2 स्टैंडर्ड केस हो गए हमारे डब्ल्यू वाले कैंटिलीवर के, और 4 क्वेश्चन कर चुके हैं जिनमें 1 क्वेश्चन पॉइंट लोड का था और 3 क्वेश्चन यूडीएल के थे। अब ये 5वां क्वेश्चन है जो कि यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों का मिक्स है, ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको मैं समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको यहाँ पर डायग्राम ना दे करके लैंग्वेज दे दिया, इस लैंग्वेज को देखते हुए पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके SFD BMD खींचनी है, ठीक है ना।
क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एक 1.5 मीटर लंबे कैंटिलीवर पर, मतलब एक कोई कैंटिलीवर बीम है और उसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लेंथ है किसी भी कैंटिलीवर की। तो यहाँ मैं आपके सामने कैंटिलीवर बना देता हूँ, ये कोई कैंटिलीवर है, इसकी लेंथ हम दिखा देते हैं इधर से कितना है, ये 1.5 मीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर है। इतना समझ पा रहे हैं, 1.5 मीटर। इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, कैंटिलीवर पर स्वतंत्र सिरे से 1.25 मीटर लंबाई तक यूडीएल लगाए, क्या लगाए, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का समवितरित भार, मतलब यूडीएल लगा है, कहाँ से लगा है, स्वतंत्र सिरे से 1.25 मीटर लंबाई तक। स्वतंत्र सिरा होता है इसका मुक्त, ये वाला फ्री एंड, फ्री एंड से 1.25 मीटर लेंथ, तो 1.25 मीटर लेंथ कहाँ तक होगी, ये तो 1.5 है टोटल, तो इससे कुछ कम होगी, मान लो यहाँ तक है, ये यहाँ तक लगा हुआ है, इस तरह आप यूडीएल लगा दीजिए इस पर, ये यूडीएल, कितना यूडीएल है ये, इसकी वैल्यू दिखा सकते हैं, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये है आपकी लेंथ यहाँ पर 1.25 मीटर। इतना समझ आ रहा है, इतनी लेंथ तक ये लगा हुआ है यूडीएल, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक। आगे पढ़िए, उस पर स्वतंत्र सिरे से 0.25 मीटर की दूरी पर एक 30 किलो न्यूटन का बिंदु भार लगा है, मतलब इस बार भी कहाँ से, स्वतंत्र सिरे से, इसी सिरे से, फ्री एंड से ही 0.25 मीटर। 0.25 मीटर कितना होगा, मैं इसको यहाँ से हटा के इधर दिखा दे रहा हूँ ना, इधर इसको यहाँ दिखा देते हैं, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और हम इधर दिखा देंगे पॉइंट लोड, पॉइंट लोड कितनी लेंथ तक है, यानी फ्री एंड से, यहाँ लग रहा है कितना पॉइंट लोड है, ये सीधा सीधा ऐसे इस यूडीएल के ऊपर ही लग रहा है पॉइंट लोड, और कितनी वैल्यू है इसकी, इस साइड से लग रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जहाँ पर ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर तक लगा है फ्री एंड की साइड से, ठीक है ना। इसको थोड़ा दूरी पर लिख लो इधर, 1.25 मीटर, समझ पा रहे हैं। और इस पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी है, 30 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन का है, इतना बताइए, समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे क्या बोला है, कैंटिलीवर के लिए SFD एंड BMD खींचना है। देखिए क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये पूछा गया है 2002 के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ये लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज से पहले आप ऐसे सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे एंड उसका फिर हम SFD BMD खींचेंगे, इतना सभी को समझ आ गया। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पर आपका पॉइंट लोड भी आ रहा है इसके ऊपर, अब यहाँ टिलोरेट दोनों आपको लेना पड़ेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। नाम दे देता हूँ अपने से मैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको आप सी पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पर पॉइंट लोड है, और इसको डी पॉइंट कह सकते हैं। पहली चीज़ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन कितनी है, ए पॉइंट पर रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, इस पर इसको हम कह देंगे RA, RA की वैल्यू कितनी है, रिएक्शन ऊपर की ओर है और लोड नीचे की ओर है, लोड देखिए कितना है, एक तो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में हम दूरी से मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा 30 लिखेंगे, कितना 30, एंड प्लस में नीचे की ओर UDL और आ रहा है, UDL कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, लेकिन UDL लगा कितनी लंबाई तक है, UDL यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी बी से और डी तक, बी से डी तक टोटल लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 है, तो 20 लगा हुआ है 1.25 तक, तो 20 × 1.25 कर देंगे हम इसमें, इतना बताइए, समझ आ रहा है ना। तो टोटल लोड जब भी कैलकुलेट करें आप, पॉइंट लोड को तो सेम लिख देंगे ऐसे ही एज इट इज, UDL में लेंथ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि W × L होता है टोटल लोड UDL के केस में। इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया टोटल, तो यहाँ से रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर लेंगे, और रिएक्शन कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं इसको, 20 × 1.25, ये तो 25 आ गया, 25 + 30 यानी 55 आ रहा है, कितना 55 किलो न्यूटन आ गया हमारा रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब रिएक्शन के जस्ट बाद क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, लिख दीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन देख लीजिए, शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप समझिए ध्यान से, पहला बी पॉइंट से स्टार्ट करना, टिल पॉइंट भी एट पॉइंट भी दोनों जीरो होगा, शियर फोर्स टिल पॉइंट बी पर शियर फोर्स जीरो है, एंड एट पॉइंट बी ये भी जीरो रहेगा, शियर फोर्स एट पॉइंट बी कितना होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। अब आते हैं सी पॉइंट पर, पहले लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट सी
टेल पॉइंट सी का मतलब बी से सी तक जाना है, सी पर नहीं देखना, सी तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यूडीएल सभी जगह एक समान लगता है, 20 है, यूडीएल कितना नीचे की ओर है तो माइनस में 20 है, लेकिन यूडीएल में टोटल लोड निकालने के लिए लेंथ से भी मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, लंबाई से भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो कितनी लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे, हम केवल सी तक का ले रहे हैं तो सी तक की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये वाला यहाँ तक का यूडीएल चाहिए, सिर्फ ध्यान से देखेंगे यहाँ तक का, तो 0.25 से करेंगे मल्टीप्लाई, 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, आप करके देख लीजिए इसको, तो यार आपका कितना 20 इंटू में 0.25 5 आ जाएगा, कितना 5 किलो न्यूटन, ठीक है, नेगेटिव आएगा माइनस का नीचे की ओर है इसलिए। अब आगे लिखेंगे सीयर फोर्स, 8 पॉइंट सी, सी पॉइंट पर देखिए, सी पॉइंट तक तो -5 आ गया, यहाँ तक तो -5 था, इस पर नीचे की ओर 30 और लगा हुआ है, और ये पॉइंट लोड है, इसमें दूरी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो नीचे की ओर माइनस में 30 और लगा है, तो कितना हो गया माइनस का 35 किलो न्यूटन, 35 किलो न्यूटन आ गया, इतना समझ आ रहा है। सी के बाद आएंगे किस पर, डी पर, क्या लिखेंगे आप, सीयर फोर्स टिल पॉइंट, टिल पॉइंट कितना, टिल पॉइंट डी, माइनस का 35 तो आप निकाल चुके हैं सी तक, माइनस का 35 तो यहाँ तक निकाल चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ तक का आगे और देख लो, ये वाला कितना यूडीएल है, यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल, नीचे की ओर है माइनस में 20 होगा, लेकिन इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, कहाँ तक का ले रहे हैं, सी से आगे तक का, सी तक तो हम निकाल चुके थे, ये वाला 35 हो गया था, अब सी से डी तक ये वाला, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से स्टार्टिंग से और यहाँ तक 1.25 है यहाँ तक, इसमें से 0.25 निकाल दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली, ये आपकी 1 बची, कितनी 1, तो 1 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, इतना समझ आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, ये माइनस का 55 आ गया, 55, ठीक। डी से ए तक कोई लोड नहीं आ रहा, जब आप लिखेंगे सीयर फोर्स टिल पॉइंट, ये क्या था, टिल डी का, अच्छा डी का 8 पॉइंट और निकाल लो, 8 पॉइंट डी, ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि डी पर अलग से ऊपर से कोई लोड नहीं है, तो माइनस में ये भी 55 ही रहेगा, यूनिट लिख लीजिएगा किलो न्यूटन, यहाँ भी किलो न्यूटन, आई थिंक सो यहीं तक दिख रहा होगा सिर्फ, ठीक है, यस यहाँ तक दिख रहा है, मैं क्वेश्चन को ऊपर से रफ करने जा रहा हूँ, आप एक बारी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे भी हमें डायग्राम बन चुका है तो क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं, इसको मिटा देंगे। चलिए देखिए आगे, अब कहाँ तक निकाल दिए हम डी पॉइंट तक निकाल दिए, अब लिखेंगे क्या, सीयर फोर्स टिल पॉइंट ए, टिल पॉइंट ए, अब डी से ए तक कोई लोड नहीं है, सेम रहेगा, माइनस का 55 किलो न्यूटन, जितना डी पर था उतना ही ए तक सेम रहेगा, आगे सीयर फोर्स एट पॉइंट ए माइनस का 55 तो ये था ए तक, और प्लस में ऊपर की ओर आर ए और लगा हुआ है, आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 55 प्लस में 55 बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो ही आना चाहिए था क्योंकि आर ए आपका प्लस का 55 था। यहाँ पर आप इसका डायग्राम खींच लेंगे, जितने पॉइंट है सभी को नीचे लाइए ऐसे, यहाँ भी ठीक है, इस तरह से डायग्राम खींचिए। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर जीरो था, सी पॉइंट पर कितना, पहले -5 था फिर -35, पहले -5 यहाँ तक ले लिया -5, फिर कितना इसी पॉइंट पर -35, सपोज यहाँ तक है -35, ठीक है, मैं अभी फ्री एंड खींच रहा हूँ, आप स्केल के हिसाब से मानना उसी हिसाब से डिस्टेंस को, जैसे यहाँ 5 है तो ये वाला कितना, अगर ये 1 सेंटीमीटर था तो ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा, इस हिसाब से खींचना आप, ठीक है, 35 वाले को, यहाँ तक हो गया। अब इसके सी के बाद किस पर आएंगे आप, डी पॉइंट पर, डी पर दोनों जगह -55 है, यहाँ भी 55 यहाँ भी 55, इससे ज़्यादा होगा 55, मान लो यहाँ तक हो रहा है 55, दिख रहा होगा यहाँ तक, अभी देख लेता हूँ। अब ए पॉइंट पर कितना देखेंगे, ए पॉइंट पर स्टार्टिंग में कितना 55 है, इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर माइनस का 55 है और बाद में जीरो है, ठीक है, देख लो एक बार नीचे तक दिख रहा है ना, हाँ यस क्लियर है। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जीरो से कहाँ तक आना है, जीरो से आपको यहाँ तक आना है, क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल के केस में एसएफडी में ट्रायंगल बनता है तो तिरछा मिलाएंगे आप, ऐसे मिला दिए यहाँ तक, इसके बाद इसके जस्ट बाद आगे देखिए आप, -5 से फिर -35 पर आना, पॉइंट लोड लगा सीधे आएंगे बिल्कुल यहाँ तक, ठीक, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक यूडीएल है, फिर ट्रायंगल की तरह चलेंगे ऐसे तिरछा, ठीक है ना, हालांकि और नीचे आना चाहिए था ये, तब आपका सही आता, इसके बाद ये कॉन्स्टेंट सीधा सीधा चलेंगे आप, इसमें कैसे चलेंगे आप, बिल्कुल सीधे, क्योंकि यहाँ पर कोई यूडीएल नहीं है तो आप सीधे चलेंगे ऐसे 55 तक, समझ आया।
यस, इसके बाद फिर जीरो से मिला देंगे इसको, तो आपका डायग्राम बन जाएगा नेगेटिव में ये वाला। इतना बताइए, क्लियर हुआ ये डायग्राम? यहाँ मान लो 35, ठीक है, थोड़ा सा अभी के लिए आप यहाँ मान लो, ताकि ये सही से दिख जाए आपको। क्लियर, डायग्राम ऐसे बनेगा, उस हिसाब से लेना। अगर ये 5 लिया तो 35 थोड़ा आगे तक आएगा और 55 और नीचे आएगा, तब खींचना। सेप बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी आपको, स्केल मान के करना दोस्तों, ताकि आपका डायग्राम ऐसा रहे कि आपको डिस्टेंस कवर हो सके, हो सके। ये 5 है तो ये ऐसा लग रहा है जैसे 10 होगा। अब 35 उसी हिसाब से लेंगे, यहाँ अगर 5 को 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये एक खींचा था आपने, लगभग ये 7 के समथिंग होना चाहिए ना, और 55 तो बल्कि 11 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, तब खींचना इस तरह, ताकि डायग्राम आपका बिल्कुल हिसाब का बने। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गए होंगे आप। तो हो गया इसका शियर फोर्स। चलिए बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं। मैं एक बारी क्या करता हूँ, इसका डायग्राम ये जो बना है आपने, ये शियर फोर्स का, इसे आप बना लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं बीएमडी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, जल्दी से समझते हैं। चलिए हटा दें इसको। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। कैलकुलेशन फॉर बीएमडी लिख लीजिए, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट लिख देना, सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट। पहले बी पॉइंट पे चलेंगे, लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो है, बी के बाद सी पर आ जाओ। अब मैं यहाँ बोल रहा था सी पर, जब यूडीएल के ऊपर पॉइंट लोड भी लगा हो तो बेंडिंग मूवमेंट में टिल और एट दोनों लिखते हैं। यहाँ लिख लेंगे आप क्या, बेंडिंग मूवमेंट पहले लिखेंगे टिल पॉइंट, टिल पॉइंट सी। जब आप टिल पॉइंट सी लिखेंगे तो आपको केवल बी से सी तक का लोड लेना है, 30 वाला नहीं लेना है, क्योंकि ये एट पॉइंट सी में कंसीडर होगा। तो बी से सी तक, यहाँ तक का यूडीएल कितना था 20 और 0.25 लंबाई तक, तो नीचे की ओर है माइनस में 20 इंटू 0.25, ये तो हो गया क्या टोटल लोड, टोटल लोड। लेकिन हम ले रहे हैं क्या मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो आधी डिस्टेंस तक कवर करेंगे। यहाँ तो सी तक का ले रहे हैं हम सिर्फ, तो सी तक की आधी डिस्टेंस कितनी होगी 0.25 का आधा। ये बताइए, इतना समझ आ रहा है सभी को? क्लियर हुआ ये? हमने बी से सी तक का लिया अभी ये, ठीक है, तो सी तक का लोड कितना आ रहा है टोटल लोड, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल 20 है, लंबाई 0.25, टोटल लोड हो गया 20 इंटू 0.25, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा सेंटर पर लगता है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, आधे पर हो जाएगा, आधे पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपका यहाँ पर सी पॉइंट पर जितना भी बेंडिंग मूवमेंट आ रहा था। इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे सभी दोस्त। देखिए कितना है आपका 20 इंटू में 0.25 इंटू में 0.25, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो आपका 0.625 आ गया नेगेटिव में, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब लिखेंगे आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी के केस में क्या होगा, यहाँ तक का तो ये रहेगा ही रहेगा जितना आपने यहाँ निकाला था, माइनस में 20 इंटू में 0.25 और इंटू में 0.25 का आधा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 और लग रहा, तो नीचे की ओर लग रहा, तो क्या लेंगे आप, माइनस में लेंगे 30, लेकिन ले रहे हैं हम सी पर, तो दूरी क्या जीरो है इसकी, सी तक की दूरी जीरो ही तो है, तो इसका मतलब ये तो जीरो हो गया। तो सेम आई की वैल्यू माइनस में 0.625, फिर भी सेम आई एल, बट आपको निकालनी जरूर है, ठीक है ना, जब भी दो लोड हो जाए तो ऐसे केस में। अब आगे सी के बाद किस पर आएंगे आप, अब सी के बाद आ जाओ डी पर। यहाँ लिखेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट, अब यहाँ एट लिखो सीधे, एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट देखो कितना है, डी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट इस पॉइंट पर लेना है आपको। सबसे पहले यूडीएल टोटल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा तो यूडीएल आएगा। टोटल यूडीएल कितना है, नीचे की ओर है माइनस में 20 इंटू 1.25, यही तो है टोटल लोड यूडीएल। अब यूडीएल हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, तो इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.25 है, तो 1.25 का क्या करेंगे आप, आधा कर देंगे, ठीक है, मूवमेंट के केस में लंबाई से मल्टीप्लाई करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर दें, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि पीछे तो सर आपने केवल यहाँ से यहाँ तक का ही यूडीएल लिया था, हम वहाँ पर शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ तक काम निकाल चुके थे, यहाँ से आगे निकाल रहे थे। बट बेंडिंग मूवमेंट में क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे भी आप निकालते हैं स्टार्टिंग से, और उस पॉइंट तक का टोटल लोड लेते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग से यहाँ से यहाँ तक यूडीएल था 20 और 1.25 मीटर डिस्टेंस थी, टोटल लोड आया, और टोटल लोड यूडीएल हमेशा सेंटर पर लगता, तो इसकी आधी दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें यहाँ तक का हो गया डी तक का यूडीएल हुआ है सिर्फ अभी ये। अब पॉइंट लोड भी ले लो, नीचे की ओर है माइनस में 30, पॉइंट लोड के केस में सेंटर पर ना लेकर के टोटल डिस्टेंस लेंगे, जहाँ पर लोड लग रहा है वहाँ से और डी तक की, यहाँ से और डी तक की दूरी कितनी है 30 से और यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक 1.25 है, तो सी से लेकर डी तक की दूरी केवल 1 होगी, सी से डी तक की दूरी 1 होगी, जहाँ पर 30 है इस 30 वाले से और इस डी पॉइंट तक की दूरी कितनी 1 है। ये आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, करके दिखाते हैं। तो कितना है 20
और इनटू में 1.25 इनटू में 1.25 और डिवाइड बाई 2, या आ गया माइनस का 15, नहीं प्लस का, अच्छा माइनस तो आगे था ही, माइनस का हो गया 15.625 और ये कितना 30, तो माइनस का आ गया आपका ये माइनस का 45.625 किलो न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, ये किस पॉइंट पे आ गया, ये डी पॉइंट पे आ गया, समझ पा रहे हैं। अब एक और पॉइंट बचा है ए, अब ए पॉइंट पे मूवमेंट और देख लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा आपका कंप्लीट पूरी तरह से, हटा दें। अच्छा यहाँ नीचे ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बड़ा रहेगा ये। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, अब ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल तो यूडीएल लेंगे, यूडीएल कितना था आपका, यूडीएल माइनस में था 20 × 1.25, ये तो यूडीएल की वैल्यू है लोड की। इसमें डिस्टेंस देखो, यूडीएल सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर का मतलब जितनी लंबाई तक यूडीएल लगा उसके बीच में कहीं यूडीएल कार्य करेगा, मान लो यहाँ लग रहा है यूडीएल, टोटल यूडीएल अपने बीच में इसके आधी दूरी पर 1.25 के आधे पर, कितने पर, 1.25 के आधे पर लग रहा है यूडीएल। ठीक है, 1.25 के आधे पर, लेकिन हमें यहाँ से कहाँ तक की लेनी डिस्टेंस, ए तक की, तो यहाँ से ए तक जाना है, तो 1.25 का आधा तो ये कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस और ऐड करेंगे इसमें, प्लस में डी से ए तक की डिस्टेंस। अब डी से ए तक की बताइए कितनी डिस्टेंस है, ये 1.5 में से 1.25 घटाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी बचेगी, ये 0.25, कितना 0.25, तो इसमें 0.25 और ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, दोबारा ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल लगता है बच्चों को, यहाँ कन्फ्यूजन होती है, फिर से देखना, ए पर लेना है मूवमेंट, इस ए पॉइंट पर कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल तो लेंगे यूडीएल, यूडीएल कितना है 20 और टोटल लंबाई से मल्टीप्लाई, टोटल लोड आ गया 20 × 1.25, जहाँ तक यूडीएल लगा था वहाँ तक की लंबाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद यूडीएल हमेशा सेंटर पर कार्य करता है, तो सेंटर पर कितना हो गया, ये 1.25 का आधा होगा सेंटर, यहाँ पर सेंटर, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1.25 का आधा होगा यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक का, ये हो गया डी तक की डिस्टेंस ये वाली, लेकिन हमें जाना है ए तक, तो हम प्लस में ये वाली डिस्टेंस और ऐड कर देंगे, क्योंकि हम ए पर ले रहे हैं मूवमेंट, ए तक पहुँचना था, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 0.25 है डिस्टेंस, ये क्लियर हुआ। इसके बाद अब पॉइंट लोड देख लो, तो माइनस में पॉइंट लोड और कर देंगे, माइनस में पॉइंट लोड कितना 30 है, और पॉइंट लोड में जहाँ लोड लगा वहाँ से ए तक की टोटल दूरी लेंगे, ए तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से और यहाँ तक तो 1 था, और 1 ये है, 0.25 ये है, तो 1.25, या ऐसे समझ लें आप, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर था, इसमें से 0.25 निकाल दिया, तो सी से लेके ए तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 1.25, समझ पा रहे हैं, ये आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिख तो रहा है ना क्लियर, यस ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अब ध्यान से समझेंगे, देखो कैसे करेंगे, 20 है इनटू में 1.25, ठीक, फिर इसके बाद ये हो गया आपका 25 आ गया, इतने पर मल्टीप्लाई करने पर 25 आ रहा है, और इसके बाद मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में कितना है ये 25, तो ये हो गया, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 1.25 इसका आधा, और प्लस में 0.25, जितना भी आया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 से 21.875 आ गया, 21.875, और फिर ये कितना है आपका, ये है 30 इंटू में 1.25, ठीक है, तो 59.375 आ रहा है, कितना आ रहा, माइनस में 59.375, इतना किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है ये। एक बार मैं चेक कर लूँ वैल्यू को, कितनी वैल्यू आ रही है इसके, क्वेश्चन है ये वाला, यस माइनस में 59.375, बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम करेक्ट है, समझ आ गया, ये सब वैल्यू हो गई इसकी। मैं एक बार आपको डायग्राम और खींच के दिखा दूं, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, मैं ये मिटा रहा हूँ एसएफडी वाला डायग्राम, ठीक, यहाँ पर मैं बनाऊँगा बीएमडी, ध्यान से समझना, बीएमडी बनाएंगे हम, पहली चीज़ सबसे पहले बी पर मूवमेंट कितना 0 है, इसके बाद सी पर कितना है माइनस का 0.625, और यहाँ भी 0.625 है, सेम ही है, तो यहाँ पर आप कितना लेंगे 0.625, यहाँ तक ले लो 0.625, ठीक है, नेगेटिव में नीचे की ओर है माइनस में, इसके बाद कितना है फिर ये, इसके बाद सी के बाद डी पर, डी पर देख लो कितना है, डी पर आ रहा है माइनस 45, तो यहाँ पर ले लेंगे आप कितना, यहाँ पर माइनस का 45.625, इसके बाद अगला कितना है माइनस का 59, इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, माइनस का 59.375, ठीक है। अब इन सबको मिला दीजिए, यहाँ पर यूडीएल लग रहा है, पैराबोला बनेगा, बीएमडी बना रहे हैं हम, ठीक है, पैराबोला,
इसके जस्ट बाद इधर भी आ गई UDLI, ये भी कैसे बनेगा, पैराबोला, पैराबोला ठीक। इसके बाद क्या है, यहाँ पर UDL नहीं है तो इनक्लाइंट, सीधा सीधे मिलाना आप सीधी लाइन से, ऐसे सीधे ऐसे, तो ये बन गया आपका क्या, नेगेटिव में ये बन गया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको और मिला देना इस तरह से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बन गया BMD ठीक है। एक बार ये आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, यस क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को, थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन था ये, क्योंकि मैंने UDL के ऊपर ही पॉइंट लोड लगा दिया था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से देखेंगे, आपको पीछे से रिपीट करके देखना है। एंड मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा अगले वाले लेक्चर में, जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर भी आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे इसको। अच्छा देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचा है इसमें, एक और क्वेश्चन बचा है सिर्फ, लास्ट क्वेश्चन, एक दो दो क्वेश्चन और हैं ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन को और करते हैं तो आपका पूरी तरह से इसके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले के जैसा, यहाँ पर UDL भी है और पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, इसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे ठीक है, और मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूँ इसको। पॉइंट को नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, जिस पर पॉइंट लोड लगा है ये पॉइंट सी है, क्लियर। UDL यहाँ पर टोटल लंबाई तक लगा हुआ है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का, जिसकी लंबाई 2 मीटर है ठीक है, और इधर फ्री एंड से 0.5 मीटर की दूरी पर पॉइंट लोड लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। तो पहला पॉइंट हमारा रहता है रिएक्शन निकालते हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन ए पॉइंट पर होगी, यहाँ पर कितनी आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर की ओर आर ए है बराबर नीचे की ओर फोर्स। अच्छा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचती, इधर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ठीक है। रिएक्शन को आर ए ऊपर की ओर है, आप पूरा लिखिएगा संतुलन की अवस्था में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, आर ए ऊपर की ओर है, नीचे की ओर देखिए कितना लोड है, दो लोड है, एक तो UDL है दूसरा पॉइंट लोड है। पहले कोई सा भी लिख लो, सपोज पहले मैं UDL लिख रहा हूँ, तो UDL 1.5 है, UDL में हमेशा लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी लेंथ तक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर तक ये लगा हुआ था, ये तो हो गया टोटल लोड कौन सा UDL, प्लस में पॉइंट लोड कितना है 2 है, तो पॉइंट लोड में आप लंबाई से गुणा नहीं करेंगे रिएक्शन निकालने के लिए। UDL का टोटल लोड प्लस में पॉइंट लोड कितना हो गया, ये 1.5 × 2 = 3, 2 = 5 हो गया, कितना आ गया 5, मैं यही लिख देता हूँ 5 किलो न्यूटन। इतना क्लियर हुआ, रिएक्शन आ गई। इसके बाद कैलकुलेशन फॉर शीयर फोर्स, शीयर फोर्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। शीयर फोर्स पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे शीयर फोर्स टिल पॉइंट बी जीरो, शीयर फोर्स एट पॉइंट बी ये भी जीरो है क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है बी पॉइंट पे, टिल भी जीरो एट भी जीरो। अब निकालेंगे टिल पॉइंट सी, शीयर फोर्स पहले निकालेंगे टिल पॉइंट सी उसके बाद निकालेंगे एट पॉइंट सी, शीयर फोर्स एट पॉइंट सी ठीक है। टिल पॉइंट सी देखिए कितना होगा, टिल पॉइंट सी का मतलब बी से सिर्फ सी तक, सी पर नहीं लेना, इससे सी से पहले पहले कितना है, सी से पहले पहले UDL है, केवल बी से सी तक का कितनी वैल्यू UDL की 1.5। ये UDL सभी जगह सेम होता है ठीक है ना, तो आपको डेफिनेशन में भी बताया था UDL की डेफिनेशन, पूरी बीम पर एक समान रूप से लगता है ये, तो यहाँ भी 1.5 होगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर लेंथ कितनी लगेंगे, केवल सी तक की, बी से सी तक की, तो 1.5 मीटर तक का, तो माइनस में लेंगे नीचे की ओर है 1.5 × 0.5 यहाँ तक का लेंगे सिर्फ 1.5 × 0.5, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, हालांकि इसे तो आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते थे, फिर भी हम कर लेते हैं 1.5 × 0.5 तो आ रहा है 0.75, कितना आ रहा है, यही लिख देते हैं इक्वल में माइनस में 0.75 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलिए आगे बात करते हैं अब एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी बोलेंगे तो सी पर नीचे को माइनस 2 और आ रहा है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये तो कितना था माइनस का 0.75 था, और माइनस में नीचे को ये 2 और आ जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस में 2.75 किलो न्यूटन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सी के बाद अगला पॉइंट क्या, सीधे ए पर आ रहे हैं, तो हम ए ले लेते हैं यहाँ पर। शीयर फोर्स पहले लेंगे टिल पॉइंट ए,
टेल पॉइंट ए पे कितना लेंगे, देखो सी तक तो हम देख चुके कितना था, माइनस का 2.75 था, ठीक है माइनस का 2.75। अब आ जाएंगे किस पर, आप यहाँ पर लेना है ए पॉइंट तक, तो यहाँ से और यहाँ तक का यूडीएल और लेना है आपको, क्योंकि यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं, अब यहाँ से आगे का लेना है, यहाँ से आगे का कितना हो जाएगा 1.5 है, नीचे को माइनस में 1.5 यूडीएल है, कितनी डिस्टेंस तक का ले रहे हैं सी से और यहाँ तक का, यानी 1.5, समझ पा रहे हैं। यूडीएल में टोटल लोड निकालने के लिए जितनी लंबाई तक का यूडीएल आप लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, मूवमेंट के केस में लंबाई से भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसकी आधी दूरी भी लेते हैं क्योंकि सेंटर पर कार्य करता है, मूवमेंट में ऐसा करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए पर कितना आ गया ये, इसको सॉल्व कर लीजिए 1.5 × 1.5 तो 2.25 हो गया, और ये कितना था 2.75, तो टोटल मिला के 5 हो गया, कितना 5, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 5 किलो न्यूटन। टिल पॉइंट ए हो गया, अब एट पॉइंट ए लिखेंगे, सीयर फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर माइनस 5 तो टिल पॉइंट का हो गया, ए पर ये ऊपर की ओर आर ए और लग रहा है, आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू है प्लस का 5 और ऐड कर दिया बराबर 0 आ गया। शियर फोर्स की कैलकुलेशन हो चुकी है, इसका डायग्राम बना लीजिए, इसका डायग्राम नीचे को लाएंगे पॉइंटों को, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगा होगा, ठीक है धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, 3 क्लास आएंगे इसके, तीनों में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। पहले यहाँ पर बी पर 0 है, सी पर बात करें तो सी पर माइनस का 0.75 और माइनस का 2.75, तो मान लिया शुरू में माइनस का यहाँ हो गया 0.75 और इसी पॉइंट पर नीचे कितना है माइनस का 2.75, ठीक है ये काम हो गया यहाँ तक का, इतना क्लियर हुआ। सी के बाद ए पर आ जाओ, ए पर पहले माइनस 5 है, इसकी सीध में यहाँ से 2 तो यहाँ तक हो गया, इसका डबल, डबल से थोड़ा कम ना, 5 है तो इसका डबल से थोड़ा सा कम, यहाँ तक मान लो सपोज यहाँ तक है, ठीक है मैं और ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा और ऊपर ले लो, इसको ऊपर, ऐसा इसलिए क्योंकि हम बीएमडी भी नीचे बना लेंगे, माइनस का 2.75 ये था, किलो न्यूटन लगा लेना आप, मान लो यहाँ तक आ गया कितना आपका 5 आ गया माइनस का। डायग्राम कैसे बनेगा, 0 से यहाँ आना है, यूडीएल है, ट्रायंगल बनता है आपको पता है एसएफडी में, तो आप इसको मिलाएंगे सीधा ऐसे, ऐसे मिला देंगे, मिला दिया, इसके बाद पॉइंट लोड है, सीधे आ जाओ नीचे को, पॉइंट लोड ये आ गया, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आ रहा है यूडीएल है, इंक्लाइंड आएंगे, ठीक है ये आ गए, इसके बाद इसको इससे मिला देना है सीधा, यस ठीक है, ये माइनस का 5 था, तो नेगेटिव में बनेगा डायग्राम आपका, इस तरह का बन जाएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आपका 5 किलो न्यूटन है ना, नेगेटिव साइन को हम छोड़ देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं जब भी वैल्यू पूछेगा आपसे। एसएफडी कंप्लीट, अब कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, चलो इसी पेन से कर लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मूमेंट, बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैलकुलेशन करनी है, बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, बी पर 0 होगा। अब आ जाओ सी पर, सी पर यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है, मैं टिल और एड दोनों निकालूंगा यहाँ पर। बेंडिंग मूवमेंट पहले लिखेंगे टिल पॉइंट, टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी का मतलब सी से पहले पहले यूडीएल कितना था 1.5, कितनी दूरी तक 0.5 तक, तो नीचे की ओर माइनस में 1.5 × 0.5, ये तो हो गया लोड की वैल्यू। अब लोड के बाद जब हम मूवमेंट लेते हैं तो ये यूडीएल सेंटर पे कार्य करता है, हमने यहाँ तक का सी से पहले पहले तक का यूडीएल लिया है ना, तो इसकी आधी दूरी कर देंगे 0.5 की आधी दूरी कर दी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, ये तो ये आ रहा है आपका कितना 1.5 × 0.5 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते माइनस में 0.1875 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है पहला ये वैल्यू आ गई, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरी वैल्यू देखते हैं, सी के बाद एट पॉइंट सी लिखेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी सेम, बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ पर टिल और एड दोनों क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों फोर्स काम कर रहे हैं इस पॉइंट पर सी, तो टिल के केस में आपने देखा यहाँ से यहाँ तक तो आप निकाल चुके थे कितना माइनस का 0.1875
अब मल्टीप्लाई अब सॉरी माइनस में डब्ल्यू लोड और आ रहा नीचे को दो, और लेकिन इसकी दूरी क्या होगी जीरो, सी पे ही कार्य कर रहा है और सी तक ही हम निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा जीरो। तो कितनी वैल्यू आएगी, सेम आएगी माइनस में 0.1875 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, सी पॉइंट तक समझ आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉइंट ए की, तो यहाँ लिख लेंगे आप बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। यहाँ पर सीधे ए पॉइंट पे निकाल दो ना, यहाँ भी आप टेलर एट में से केवल एट भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट लोड भी लगा रखा है। अब इसकी बात करते हैं ए पॉइंट पे निकालिए। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना है आपको, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि हम शियर फोर्स में स्टार्टिंग से क्यों नहीं चलते, जहाँ तक का निकल जाता वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शियर फोर्स में हमें दूरी की बार बार मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, सिर्फ यूडीएल में करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूडीएल के साथ साथ उसके सेंटर तक की डिस्टेंस का भी मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग से लेते चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ए तक का, तो यहाँ से ए तक का शियर फोर्स कितना, माइनस में मतलब लोड कितना है यूडीएल यहाँ से ए तक का, 1.5 है 2 मीटर तक लंबाई का, तो माइनस में कितना 1.5, लेंथ कितनी है 2 मीटर। ये तो टोटल लोड की वैल्यू है। जब मूवमेंट लेंगे तो ये यूडीएल सेंटर पे काम करेगा, टोटल 2 मीटर था, 2 का आधा कर देंगे 1 मीटर आएगा, यूडीएल का मूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट लोड का मूवमेंट लेंगे, नीचे की ओर है माइनस का दो। पॉइंट लोड में हमेशा कंप्लीट दूरी लेते हैं, यहाँ से और ए तक की दूरी 1.5, ये कितनी है 1.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ गया ये, जब हम इसको मैं यहाँ से यूनिट हटा रहा हूँ आप लिख लीजिएगा ना, थोड़ा सा साफ साफ दिख जाएगा आपको, किलो न्यूटन इंटू मीटर में है ये, कितना आएगा 1.5 इंटू में 2, ये 1.5 इंटू 2 ये हो गया 3, तो ये हो गया, और माइनस का 3 ये है 6 हो गया ना, 6 आ गया किलो न्यूटन इंटू मीटर। इतना क्लियर, तो यहीं तक निकालना था ए पॉइंट तक ही। इसका भी डायग्राम बना लीजिए, इसका अलग पेन से बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए ठीक से, इस तरह से हम इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक। यहाँ पर एक लाइन खींच ली, यहाँ पर मूवमेंट जीरो था, इसके बाद सी पॉइंट पर बहुत कम है, मान लो ये है कितना 0.1875 है, वो भी नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद ए पॉइंट पर है सीधे, ए पॉइंट पर 6 है, मान लो 6 आपका यहाँ तक था, नीचे तक दिख रहा होगा यहाँ तक, ये 6 है। मिलाएंगे कैसे, यहाँ से बी से सी तक यूडीएल है, पैराबोला बनेगा ऐसे, ठीक, फिर सी से लेके ए तक ये भी पैराबोला बनेगा, ठीक है, इस तरह से, समझ पा रहे, थोड़ा कम कर्व कर देना, मतलब पैराबोला है ऐसे दिखा देना, ऐसे इस तरह से, क्लियर हुआ सभी को, समझ आ गया। इसको मिला करके और डायग्राम कैसा रहेगा, नेगेटिव। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया आपको, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया, 6 आया है, नेगेटिव में है, किलो न्यूटन इंटू मीटर, दिख रहा है यहाँ तक क्लियरली, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यस। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर देखने यही आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही है, यही आ रहा है, ठीक है। इनके नाम भी दे सकते हैं, पैराबोला कर्व बन रहा है, अब दिखा सकते हैं इनके नाम क्या, पैराबोला कर्व बन रहा है, ये भी पैराबोला और ये वाला भी पैराबोला, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका एक क्वेश्चन और है ये, और ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए होमवर्क देने वाला हूँ, एक क्वेश्चन जिसमें पॉइंट लोड यूडीएल दोनों हैं, करके देखिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है, मैं टेलीग्राम पर इसका आंसर भेज दूंगा, पहले क्वेश्चन आपके सामने बना दूं, फिर उसको होमवर्क करेंगे ताकि मैं आपको यूबीएल भी समझा सकूं, ठीक है। इसके बाद हम यूबीएल की बात करते हैं, पहले एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लेंगे, इसे हटा दें, इसे हटाते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, और क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया गया है पहले से, ठीक है, चित्र के अनुसार लिखा हुआ है, मतलब ये डायग्राम दिया गया है। ये क्वेश्चन आप सबको करना है, 7वां क्वेश्चन, आप कमेंट करके 7वें क्वेश्चन का मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आंसर भेज सकते हैं कमेंट में, तो हमें पता चल जाएगा कितने बच्चों ने किया है और किस किस का सही है। ऐसे करके यूडीएल लगना शुरू हुआ इधर से, और आधी बीम तक यूडीएल लगा है ऐसे, मान लो यहाँ तक यूडीएल है, यूडीएल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसके बाद इसी पॉइंट पर यहीं पे, यहाँ पर
क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड, ठीक है, जहाँ पर यूडीएल ख़त्म है वहीं पे पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। इसके बाद फिर इस पॉइंट पर लगा हुआ है, इस पर ये कितना है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो ये इनको नाम दे सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो बी से सी तक की दूरी ये भी 1 मीटर है और सी से ए तक की दूरी ये भी 1 मीटर है। ये क्वेश्चन था आपका और आपको इसका SFD VMD बनाना है और शियर फोर्स और मैक्सिमम शियर फोर्स, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आया था, 5 आया था, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 6 आया था। तो इस तरह से आप कमेंट करके वैल्यू ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। नेगेटिव था यहाँ पर, लगा लीजिएगा प्लीज़ करके, ठीक। तो क्या करेंगे आप, कमेंट करके आंसर ज़रूर भेज देंगे कि मैक्सिमम शियर फोर्स इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का इतना आया है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना आया है। इसके अलावा इसका जो डायग्राम है, सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन मैं साथ में क्वेश्चन के होमवर्क का टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। जो भी बच्चे नए हैं ना वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। और कोई भी PDF होता है इंपॉर्टेंट या और भी कोई जानकारी होती है वह भेजता रहता हूँ मैं। तो चलिए अब हम कैंटिलीवर बीम के UBL की बात कर लेते हैं। अगर इस पर UBL फोर्स आएगा तो उस केस में SFD VMD हम कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन उसकी कैसे करेंगे, इसको रफ करते हैं और उसकी ओर मूव करते हैं, क्लियर ना। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब आज की क्लास का अंतिम टॉपिक देखते हैं, सबसे लास्ट का टॉपिक है हमारा ये कैंटिलीवर का, ठीक है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UBL एट टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ पर क्या लगा हुआ है, UBL लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं, हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, रिएक्शन कहाँ पर, ए पॉइंट पर, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ए पॉइंट पर RA रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं, आपको पता है संतुलन की अवस्था में ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, RA लग रहा है, RA, और नीचे की ओर कितना लग रहा है, नीचे की ओर UBL लग रहा है। और आपको बताया था UBL में जब हम टोटल लोड निकालते हैं, टोटल लोड तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम से निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, ये क्या बन रहा है, लोडिंग डायग्राम ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार L है और ऊंचाई कितना है, W है, तो कितना हो गया ये WL/2, यही तो होगा टोटल लोड WL/2। तो यहाँ पर रिएक्शन कितनी आ जाएगी हमारी, रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी RA इक्वल टू WL/2, W स्मॉल, ठीक है, L/2, ये आ गया रिएक्शन। इतना सभी को समझ आ रहा है। एंड हमें ये भी पता है कि ये जो टोटल लोड कार्य करता है ये कहाँ पर कार्य करता है, मैं ये इस तरह से मिटा रहा हूँ, केवल ट्रायंगल छोड़ देता हूँ, ठीक है, बीच में ऐसे एरो बने होते हैं, यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि आपको ये समझा सकूँ कि टोटल लोड कहाँ लगेगा। तो टोटल लोड सेंटर पर लगेगा, इधर यहाँ, और ये कितनी डिस्टेंस होगी इस साइड से, अगर ये टोटल L है तो ये L/3 होती है, कितनी, L/3, समझ पा रहे ना, L/3 डिस्टेंस पे लगेगा परपेंडिकुलर की साइड से टोटल लोड, इतना हम जानते हैं। तो हमने पहले रिएक्शन पता कर ली, ये सभी को समझ आ गया। अब चलिए आगे बात करते हैं, इसको हटा दें, रिएक्शन के बाद आगे देखते हैं कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। पहले बी पॉइंट पे लिखेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट बी, टिल पॉइंट बी कितना है, 0 है, बी पर कोई फोर्स नहीं है, ऐसी एट पॉइंट बी लिखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट बी इक्वल टू, ये भी 0 है। मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, कुछ बच्चे कमेंट्स करें उससे पहले, कि SFD VMD जब हम बनाते हैं तो दो तरह से डायग्राम पॉसिबल होते हैं, मैंने आपको बेसिक जब पढ़ा रहा था तभी बता दिया था। अगर हम LHS की साइड से चलते हैं, किधर से, लेफ्ट हैंड इस तरह RHS की साइड से, तो आपको पता है ऊपर की ओर जो फोर्स लगेंगे उन्हें पॉजिटिव, नीचे की ओर जो फोर्स लगेंगे उन्हें नेगेटिव। तो मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं RHS की तरफ से बना रहा हूँ, तो जिनकी बुकों में RHS की तरफ से डायग्राम दे रखे होंगे वो तो मेरे डायग्राम से मैच करेंगे, और जिनकी बुक में लेफ्ट हैंड साइड से दे रखे होंगे इधर से LHS की तरफ से, तो वो डायग्राम आपको उल्टे दिखाई देंगे। उल्टे से मतलब क्या, जो मैं नीचे बना रहा हूँ वो ऊपर होगा उसमें, SFD का डायग्राम, ठीक है ना, ऊपर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस केस में जब हम इधर से चलते हैं तो जो फोर्स ऊपर की ओर होते हैं उन्हें तो नेगेटिव लेते हैं, और जो नीचे की ओर होते हैं ना पॉजिटिव लेते हैं। तो हम तो नीचे की ओर वाले नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि इधर से चल रहे हैं, और कुछ बुकों में हो सकता है नीचे की ओर वाले पॉजिटिव दे रखे हो, इसलिए डायग्राम लाइन के ऊपर बन रहा होगा। तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, ऊपर हो या नीचे डायग्राम बिल्कुल सही होगा,
वैल्यू सही होनी चाहिए आपके शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। समझ पा रहे ना, डायग्राम उल्टा बन जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर आप और क्लियर करना चाहते हो अपने आंसर को तो वहाँ लिख करके आ जाना कि हम आरएचएस की तरफ से चल करके डायग्राम बनाया है ना, फ्रॉम आरएचएस, एसएफडी एंड बीएमडी ड्रा फ्रॉम आरएचएस, ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा, तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। हालांकि एग्जामिनर जानता है पहले से, काटेगा नहीं कि आप इस साइड से चलते आ रहे हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि बच्चों को बाद में डाउट ना हो कि सर हमारी बुक में ऐसे बना रखा है वैसे बना रखा है। आप ऐसे बनाएं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। दो बी तक हो गए, अब बी के बाद देखिए डायरेक्ट ए है। तो अब एस यू बी एल के केस में हम यहाँ पर एक सेक्शन काट लेते हैं, क्या यहाँ पर एक सेक्शन कट कर लेते हैं, यहाँ पर मान लो सेक्शन आपने जो काटा है वो एक्स एक्स सेक्शन है। मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ, इसमें सेक्शन काटने की आवश्यकता पड़ती है यू बी एल में। हमने यहाँ से क्या किया, सेक्शन काट दिया एक्स एक्स, और इसकी जो डिस्टेंस है वो इस साइड से कितनी मान रखी है, एक्स मान रखी है, यानी ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है स्मॉल एक्स बी से लेके और यहाँ एक्स तक, ये जो एक्स पॉइंट है, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है ये वाली आपने बाई मान ली, स्मॉल बाई, समझ पा रहे हैं। यहाँ आपने सेक्शन काटा, अब मैं इस सेक्शन पर शियर फोर्स कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पर कितना होगा शियर फोर्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, शियर फोर्स किस पॉइंट पर, इस एक्स एक्स सेक्शन तक कितना है, तो शियर फोर्स एट लिख दिए, डायरेक्ट एट लिख दीजिए आप, टिल वगैरह की आवश्यकता नहीं है, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है यहाँ से। अब यहाँ भी क्या, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम नीचे की ओर है तो माइनस में लेंगे, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम इस इतने वाले ट्रायंगल का एरिया बताना आपको, कहाँ से, इतने का, छोटे वाले का, तो 1/2 बेस एक्स है इनटू में हाइट कितनी वाई है, तो -1/2 एक्स इंटू वाई आ गया। अब हम इस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वाई यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाली, तो वाई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, मिटा के आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर इधर लिख देता हूँ मैं, नहीं यहीं कर देते हैं, लिख दीजिएगा किससे, फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी सबको पता होगी, समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है, बड़े वाले ट्रेंगल का हाइट और बेस का अनुपात, बड़े वाले ट्रेंगल की हाइट कितनी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये W इंटेंसिटी का लोड है, तो W है अपॉन में बड़े वाले का बेस कितना है, ये L है, W अपॉन L हो गया, बराबर छोटे वाले ट्रेंगल की हाइट कितनी है, बाई है अपॉन में X छोटे वाले का बेस, मतलब ये समरूप त्रिभुज का प्रगुण होता है कि दो ट्रेंगल एक जैसे दिखेंगे, जैसे इसमें दिख रहा है आपको ये वाला ए बी और ये, यहाँ पर दूसरा ये और बी और यहाँ तक का, ठीक है, दो हैं, तो बड़े वाले ट्रेंगल का हाइट अपॉन बेस का रेशियो बराबर में छोटे ट्रेंगल का हाइट अपॉन बेस का रेशियो, ये बराबर होता है। यहाँ से वाई निकालेंगे तो एक्स को इधर ले जाओ तो वाई कितना आ जाएगा, एक्स जब इधर गया तो डब्ल्यू एक्स अपॉन एल हो गया, क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, ये आपको चूकी करके साइड में दिखा देना और यहाँ वाई के प्लेस पर पुट कर देना है। जब आपने यहाँ पर वाई के प्लेस पर रखा तो माइनस का 1/2 एक्स इंटू वाई के प्लेस पर कितना रखना है आपको, स्मॉल डब्ल्यू एक्स बाई एल, ये लिखना है। तो यहाँ से वैल्यू आपने देखी कितनी आ गई, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई माइनस में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन में नीचे 2L हो गया, ये बताइए समझ आ रहा है, इतना सभी को क्लियर है, ये समझ आ गया ना। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि ये आपको दिख रहा है दो घात वाली इक्वेशन बन रही है, तो आपको SFD कैसा बनाना है, पैराबोलिक बनाना है, ठीक है। एंड अब हम निकालेंगे शियर फोर्स टिल पॉइंट ए। जब आप टिल पॉइंट ए पे निकालेंगे तो आप, अब x से यहाँ से यहाँ तक x था और x को मैं यहाँ से यहाँ तक l रख सकता हूँ, जहाँ x लिखा हुआ है x के प्लेस पे l रख दो, हमें मिल जाएगा टिल पॉइंट ए। तो रख दीजिए x की जगह पे l, तो माइनस w, ये हो गया l की घात 2 अपॉन में 2l, समझ पा रहे हैं। जहाँ x था वहाँ l हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि हमें a पॉइंट तक चलना है, अब हमें a पॉइंट तक, यहाँ से a पॉइंट तक l लंबाई थी, तो x की जगह पे यहाँ पर L पुट कर दिया हमने, तो क्या मिल गया हमें, ये मिल गया वैल्यू, तो कट जाएगा ये L से पावर, क्या बचेगा माइनस में W ऊपर बचा, L बचा और नीचे केवल 2 बचा, माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 बचा, ठीक है। अब लिख देंगे आप शियर फोर्स एट पॉइंट ए लिखेंगे तो यहाँ तक टिल पॉइंट का, तो माइनस में W एल वाई स्मॉल डब्ल्यू एल वाई 2 और प्लस में ऊपर की ओर आर ए लग रहा है, आर ए की वैल्यू रख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कितनी है W एल वाई 2, सेम आ रहे हैं, कट के क्या आ गया, 0 आ गया, समझ पा रहे हैं, 0 आ गया। तो अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, मैं यहाँ खींच देता हूँ डायग्राम, यहाँ पर हम डायग्राम खींच ले रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम खींच लीजिए,
लाइन खींचे, यहाँ पर जीरो था, एक्स एक्स सेक्शन पर वैल्यू आई थी ये वाली, माइनस का डब्ल्यू एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर वैल्यू मान ली माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, मैं माइनस को नीचे ले रहा हूँ ठीक है ना, क्योंकि मैंने इधर से चलना शुरू किया इसलिए वैल्यू नेगेटिव है। अब इस पर ए पर कितना है, टिल पॉइंट ए माइनस डब्ल्यू एल वाई टू, इससे थोड़ा ज़्यादा है, माइनस में डब्ल्यू एल वाई टू है ठीक है, ये बाद में फिर जीरो हो गया ये। तो अब डायग्राम कैसा बन जाएगा, इसको यहाँ तक ले लो सपोज, यहाँ तक डायग्राम कैसा बनेगा, यू बी एल में आपका पैराबोला बनता है आपका एस एफ डी, एस एफ डी पैराबोला बनता है, तो ये बन गया ऐसे, ऐसे बना देना इसको, ऐसे मिला देना ठीक है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये तो बना दिया हमने यहाँ, कुछ बुकों में यही डायग्राम ऐसे दे रखा होगा ऐसे, और यहाँ प्लस दे रखा होगा, ये दे रखा होगा डब्ल्यू एल वाई टू, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उन बुकों में के बुक में या फिर किसी के नोट्स वगैरह में कहीं मिले आपको तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसा इसलिए दिया होगा क्योंकि वो इस साइड से चलना शुरू किया होगा और इस साइड से जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उसको पॉजिटिव ले लिया होगा, इसलिए डायग्राम ऊपर बना दिया है, समझ पा रहे ना, तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हमें ये बनाना है। और साथ में आप ये भी दिखा सकते हैं, आप लिख दीजिएगा कि हम किधर से चल रहे हैं, आर एच एस की साइड से चले हैं, वैसे हमने यहाँ एक्स डिस्टेंस ले रखी, उससे हमें क्लियर हो जा रहा है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, शियर फोर्स डायग्राम बन चुका है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और देख लो इसका, इसकी कैलकुलेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं आपको कर देता हूँ बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन ठीक है, हटाते हैं इसे, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी यहाँ लिख लेंगे, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए गणना, पहले बी पॉइंट पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, जब बी पे निकाला जीरो था, सेक्शन पे निकाल लो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, एक्स एक्स सेक्शन तक का फोर्स कितना आ रहा था, एक्स एक्स सेक्शन तक का फोर्स हमने पीछे देखा था अभी, माइनस में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर वाई टू एल आया था ठीक है, यही तो आया था, पीछे भी देख चुके हैं आप एक्स एक्स सेक्शन तक का फोर्स, इनटू डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर कार्य करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली, ये इस ट्रायंगल के एक्स बाई थ्री पर, टोटल तो एल बाई थ्री पर था लेकिन इस ट्रायंगल का कितना होगा एक्स बाई थ्री, इस ट्रायंगल का एक्स बाई थ्री कर दीजिए, समझ पा रहे हैं ना, छोटे वाले ट्रायंगल का, क्योंकि हम छोटे वाले ट्रायंगल के ले रहे हैं ना अभी, तो एक्स बाई थ्री पर कार्य करेगा, तो कितना हो गया ये निकल के यहाँ से, माइनस में डब्लू, डब्लू छोटा वाला है ठीक है, एक्स की पावर थ्री अपॉन तीन दूनी छः सिक्स एल आ गया, ये क्या आ गया आपका, ये बेंडिंग मोमेंट आ गया, कितनी पावर आ रही है थ्री आ रही है, तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, क्यूबिक पैराबोला, तीन पावर है इसलिए डायग्राम बनेगा क्यूबिक पैराबोला, समझ आ रहा है सभी को ये चीज़, क्यूबिक पैराबोला डायग्राम बनेगा। एंड आगे बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन किस पर, ए पर, सेक्शन नहीं अब तो एट ए लिखेंगे सीधे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, या तो आप टोटल लोड से निकाल लो, टोटल लोड कितना है हमारा, माइनस में डब्ल्यू एल वाई टू, ये टोटल लोड है नीचे की ओर है इसलिए माइनस लिया है, और डिस्टेंस कितनी पर कार्य कर रहा है टोटल लोड, एल वाई थ्री पर, एल वाई थ्री पर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई तीन दूनी छः सिक्स आ गया ठीक है, ये आ गया आपका ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर एल पुट कर लो, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस एल है ना, जब आप एक्स की जगह पर एल रखेंगे तो एल से दो घात में से एक कट, तीन में से एक कट जाएगी, दो पावर बचेगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई सिक्स बचेगा सिर्फ, तो वही यहाँ लिखा हुआ है ठीक है ना, एक्स के प्लेस पे एल रखेंगे तब भी यही आएगा, और टोटल लोड इनटू सेंटर से, ये सेंटर एल वाई थ्री पर काम करता है, ए तक की दूरी, तब भी इतना ही आ रहा है। तो अब इसका डायग्राम खींच दीजिए आप, ये वैल्यूज हो गई, डायग्राम खींच लीजिए ठीक है, हम नीचे को ही बना रहे हैं दोनों डायग्राम, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया है। वैल्यू कितनी है, इस पर तो जीरो था, इस पर कितना आया है, इस पर ये वाली वैल्यू है माइनस डब्ल्यू एक्स की पावर थ्री अपॉन सिक्स एल, इसके बाद ए पॉइंट पर कितना है, ए पॉइंट पर है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई सिक्स, मिला दीजिए, क्यूबिक पैराबोला है, ऐसे डार्क करके बनाना, थोड़ा नीचे पहुंच गया, ऐसे बनाना ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे दिखाना आप यहाँ तक मिला के फिर यहाँ से ऐसे, क्यूबिक पैराबोला बनेगा, ये वैसा ही बनेगा समथिंग जैसे ऊपर है ऐसे, या मिला देते हैं, चलिए ऐसे मिला देना आप, और यहाँ दिखा देना ये वाली वैल्यू ये वाली है ठीक है, इस तरह से, क्लियर है ना, ये यहाँ ये इसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, इस चीज़ को वैल्यू वहाँ लिखी हुई है आपके सामने, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्यूबिक पैराबोला,
लिख दीजिएगा क्यूबिक पैराबोला, उस पर केवल पैराबोला लिख देना, ठीक है। वैल्यूज दिखाना चाहे दिखा देना, माइनस का डब्लू एक्स की पावर 3.6L था और यह माइनस का डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 6 है। ये वैल्यूज़ आपके आ चुकी हैं यहाँ पर। तो ये आपका क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक UBL के कैंटिलीवर में, यही एक फॉर्म मैंने करा दिया, अपनी बुक में दे भी नहीं रखी है, लेकिन अब जो सिंपली सपोर्टेड बीम में है ना, UBL के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी आप पॉइंट लोड के और UDL के ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में वहाँ तक ही पूछेगा डिप्लोमा में, फिर भी इन्हें भी पूछे तो आपको सिंपली सपोर्टेड भी कराऊंगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है क्लास ये, तो कैंटिलीवर हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन भी अब मैंने दे रखा है, तो वहाँ कमेंट करके भी आप भेज सकते हैं, किसी के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप भी, चैनल के साथ साथ ग्रुप भी बना हुआ है, ग्रुप में भी आप फोटो भेज सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अभी इतना ही रखते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला लेक्चर आपको मिलेगा बहुत जल्द, जिसमें हम सिंपली सपोर्टेड बीम के SFD BMD पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अभी अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।